गुड मॉर्निंग ऑल, एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से साउंड चेक करो, वीडियो क्वालिटी चेक करो। इमीडिएटली विल स्टार्ट। जल्दी से चेक कीजिएगा, रिप्लाई फास्ट। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, हेलो। चलिए जल्दी से वीडियो क्वालिटी चेक करो, ऑडियो क्वालिटी चेक करो। ऑल ओके, गुड मॉर्निंग, परफेक्ट। जिन लोगों ने नोट्स डाउनलोड नहीं किया है, आई हैव गिवन द लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे भी नोट्स और लेक्चर का दोनों का नोटिफिकेशन जा रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। ओके, सब बिंदास सर, ओके, किया डाउनलोड। फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर का एक कंबाइंड नोट्स मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, जल्दी से आप डाउनलोड कीजिएगा। ओके, चलेगा। स्टार्ट करते फ्रेंड्स, जल्दी से कल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट। आज थोड़ा सा ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन आपको देना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको देना है। सो आज का लेक्चर सर जी तोड़ मजा आएगा आपको। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था बॉस। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेरी जो भी कुछ है नोट्स के रिगार्डिंग, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, लेक्चर कब अवेलेबल होगा एक्सेट्रा, नोट्स कब अवेलेबल होगा, फ्रेंड्स वो क्वेरी का जो अपना एंड का 15 मिनट्स है वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप वो बुक्स के रिलेटेड क्वेरी या फिर लेक्चर कब अपलोड होगा वो रिलेटेड क्वेरी आप अभी मत पोस्ट कीजिएगा, जब 15 मिनट्स एंड में मैं रिविजन या फिर आपका क्वेरी सेशन लेता हूँ तब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके प्रेजेंट सर, कृणाल, कृणाल जी प्रेजेंट, ओके चलेगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सर जी स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कॉस्ट। कॉस्ट क्या था? मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स और यू आर अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, तो ये दो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो जो आपको एक्सपेंसिस लगता है वो सारे आपके कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ टेक्निक और प्रोसेस यूज किया जाएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्टिंग। इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन कल देखा था, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल था कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां से लेके वहां तक। क्या बोला मैंने? वहां से लेके वहां तक, यानी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने से फाइनल जो आपका कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने तक जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं वो सारे स्टेप्स कवर होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। राइट फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना, कॉस्ट रिकॉर्ड करना और एक प्रेजेंट करना कॉस्ट शीट में, पीरियोडिकल एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, दैट इज अ कॉस्ट शीट। ये सारा काम था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर आपको याद आ रहा है तो बोलते जाइएगा, सर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने वो एग्जाम्पल लेके कल डिस्कस किया था, एग्जाम्पल में मैंने एक फाइनेंशियल जो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग है उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैंने दिया था, फिर मैंने कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके एक प्रोडक्ट वाइज बाइफर्केशन दिया था, और वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि बॉस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तीन ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही क्लियर थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट और एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड वन था आपका कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो आएगा आपका प्रॉफिट।
अगले दो पॉइंट है जो आप क्लब भी कर सकते थे, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है ना सर, कॉस्ट कंट्रोल के वो चार पॉइंट याद आ रहे हैं, वो चार पॉइंट थे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करना था, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वो एक्चुअल के साथ कंपेयर करना था, और अगर दोनों में डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया था फ्रेंड्स, वो डिफरेंस को हम लोगों ने नाम दिया था, दैट इज वरायंसेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वरायंसेस यू आर गोइंग टू टेक सम मैनेजरियल एक्शन। ठीक है, जैसे मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया कि सर अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढो, थोड़ा बल्क में परचेस करो, ठीक है थोड़ा कम क्वालिटी का परचेस करो एक्सेट्रा, तो आप कुछ मैनेजरियल एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ वरायंसेस आते हैं तो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कॉस्ट रिडक्शन। यहां पे मैंने एक सिंपल पॉइंट बताया था, कॉस्ट रिडक्शन थोड़ा लॉन्ग टर्म है, कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी अफेक्ट नहीं होएगा, कॉस्ट रिडक्शन में आपका जो फीचर्स है प्रोडक्ट का वो अफेक्ट नहीं होएगा। ये था आपका कॉस्ट रिडक्शन, डिस्कस आगे डिटेल में करने वाला है जैसे मैंने आपको कल बताया था। अगला पॉइंट था फ्रेंड्स असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आपको हेल्प करनी है। अब मैनेजमेंट को क्या क्या डिसीजन लेना था, थोड़ा डिसीजन हमने कल डिस्कस किया था कि सर कौन सा प्रोडक्ट का कितना मिक्स होना चाहिए, मटेरियल या फिर आपके जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का सेल ज्यादा करना चाहिए एक्सेट्रा। तो ये कुछ मैनेजरियल डिसीजन लेते वक्त ये हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, समझा। अगला एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोग पहुंच गए थे ओवरहेड्स तक, या फिर सॉरी हम लोग पहुंच गए थे एक्सपेंसेस तक। ठीक है, तो वापस एक बार बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट शीट जो आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप यू कॉस्ट शीट बना लेंगे फ्रेंड्स 10 मार्क्स, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कॉस्ट शीट का हर एक अटेम्प्ट में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड बेसिकली 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट थे, एक था आपका मटेरियल, एक था आपका लेबर जिसको आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, और तीसरा था आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल का 2 पार्ट था, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर का 2 पार्ट था, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, एंड एक्सपेंसेस का 2 पार्ट था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा? ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो तीनों पार्ट है वो कहां पे जाएगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, जल्दी जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। एक ही आंसर अब मेरे तक पहुंचा है, दैट इज अशोक जी, इन्होंने आंसर दिया प्राइम कॉस्ट, प्रिंकल इन्होंने आंसर दिया प्राइम कॉस्ट, ओके वेंकटेश जी इन्होंने आंसर दिया प्राइम कॉस्ट, मुकुल जी प्राइम कॉस्ट, केशा ओके प्राइम कॉस्ट, शर्वन प्राइम कॉस्ट, ओके मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करेक्ट दे रहे, इट्स अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ओके आई हैव गॉट द आंसर, यस सर अब आप आंसर देना बंद कर दीजिएगा। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट ने, जैनील दिव्या जतीन पवन शिवम चेतन निकिता, इन सारे स्टूडेंट ने और सारे मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। तो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यह है, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहां पे जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहां पे जाएगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा फटाफट से। ओवरहेड जाएगा, ओवरहेड जाएगा, ओवरहेड जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, ओवरहेड जाएगा जल्दी। हाँ, अब आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करना है तो फटाफट आप आंसर देते रहिएगा, ओवरहेड्स में जाएगा, ओवरहेड्स में जाएगा। ओके परफेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है आंसर देना बंद कर दीजिएगा, आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर, 99 नहीं 100% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। ओके, प्रिंकल जी, प्रतीक, भावेश, निकिता, उमंग, पूजा, युक्ता, अमित जी, लोकेश, रवि, ठीक है, अरे बस 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 बस, अरे यस यस यस, एवरीवन इज करेक्ट। ओके चलिएगा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आंसर आ चुका है, ओवरहेड्स में जाएगा। चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखना बंद कीजिएगा फ्रेंड्स। ओवरहेड्स आगे जाके क्लासिफाई कहां पे होता है, तो 3 कैटेगरी में ओवरहेड क्लासिफाई होएगा। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो 3 जगह पे आप यूज कर सकते हो, 1 फैक्ट्री,
सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दैट इज ऑफिस, एंड थर्ड वन इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। यहां पे आपका इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो सकता है, ठीक है। तो ओवरहेड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, आई होप ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड्स स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं कल के लेक्चर का, ओके स्पेसिफिकली बात करते कल के लेक्चर का, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जो लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, डोंट वरी, ठीक है, वो तो यूट्यूब पे है ही अवेलेबल, लेकिन अभी भी आपने अगर ध्यान से सुना तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके नाउ फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल क्या था, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटेरियल दैट कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, डायरेक्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। एंड फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप उसका कॉन्स्टेंट है। सपोज एक शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 मीटर का कपड़ा लगता है, तो 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 100 मीटर का कपड़ा लगेगा, तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इसका कॉन्स्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है, राइट फ्रेंड। फिर काफी सारे एग्जांपल हमने लिए थे और आपने भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल दिए थे, जैसे कि अगर आप बेंच मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस करो, बेंच मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आयन, स्टील, वुड, फर्नीचर के लिए जो लैमिनेट्स लगता है, जो पॉलिश कलर वगैरह ऊपर से लगता है, ऑल आर डायरेक्ट मटेरियल। एंड लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मटेरियल विल बी पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल विल बी पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट। ओके चलिएगा फ्रेंड्स, अब आगे आई होप ये डायरेक्ट मटेरियल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज, मटेरियल विच इज इनडायरेक्टली यूज दैट कैनॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट, जो कंज्यूम हो जाता है, जो एग्जॉस्ट हो जाता है, जो इवेपोरेट, वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो कंज्यूम हो जाता है, जिसका आइडेंटिटी नहीं रहता है फाइनल प्रोडक्ट में, विच कैनॉट बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आप आपके फैक्ट्री में क्लीनिंग मटेरियल यूज करते हो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप आपके फैक्ट्री में सपोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, आप मेन प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका जो मेन प्रोडक्ट है, सपोज आप बेंच मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर सेट है, और जनरेटर सेट में आप पेट्रोल डीजल डाल रहे हो, ठीक है, तो ये आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट आप जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मशीन आप यूज कर रहे हो, और मशीन में आप ऑयल लगा रहे हो, मशीन में आप ग्रीस लगा रहे हो, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। आप आपके फैक्ट्री में, फैक्ट्री की बात करो, अगर आपके फैक्ट्री में कुछ आप स्टेशनरी वगैरह यूज हो रहे, सपोज कुछ रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करना है, फैक्ट्री के अंदर बोल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं, ठीक है, तो भी वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाए, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो क्या क्या हो गया अपना, क्लीनिंग मटेरियल हो गया, या फिर आपका हो गया ऑयल, हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया जो इनडायरेक्टली यूज होता है, जो कंज्यूम हो जाता है, एक्सेट्रा, या फिर कुछ स्टेशनरी आपने यूज किया फैक्ट्री में, वो भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाएगा। ओके चलिएगा अब आगे बात करते हैं, यह आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट वन, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, सर जी फ्यूल का क्या करने का, अगर आप फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फ्यूल का क्या करने का, सपोज आपने गैस वगैरह यूज किया, ठीक है, तो उसका क्या करने का, तो आप ही मुझे बता दीजिए, मैंने एकदम सिंपल पॉइंट बताया, क्या वो फ्यूल फाइनल प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या, क्या वो फ्यूल फाइनल प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या, अगर नहीं, आंसर आपके सामने है, राइट फ्रेंड्स। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट का क्वेरी है, वॉइस कम आ रहा है, आई डोंट थिंक सो, मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, और मेरा वॉइस एकदम यानी मैक्सिमम है, तो एक बार चेक कीजिएगा सर, वॉइस करेक्ट है, ऑडिबल है यानी, यस फ्रेंड जल्दी बताइएगा, परफेक्ट है, यस आई नो दैट, परफेक्ट है, सामने आ रहा है,
ठीक है वॉइस, ओके क्लियर है, चलिएगा सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट लेबर, ओके परफेक्ट है, ओके चलिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, डायरेक्ट लेबर। ओके तो डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या था, वर्कर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, वर्कर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, वो जो वर्कर है वो आपका डायरेक्ट वर्कर है। एंड सर डायरेक्ट वर्कर के बारे में हमने क्या लिखा था या फिर क्या देखा था, डायरेक्ट वर्कर कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और वर्क ऑफ डायरेक्ट लेबर कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। यस सर, डायरेक्ट लेबर नहीं दिखता है फाइनल प्रोडक्ट में, उसका काम फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि कारपेंटर फर्नीचर इंडस्ट्री में डायरेक्ट वर्कर है, राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ टेलर रेडीमेड इंडस्ट्री में, रेडीमेड फैक्ट्री में टेलर डायरेक्ट वर्कर है, ठीक है, हाँ यस सर। और डायरेक्ट वर्कर कहां पे जाएगा, तो आपका जाएगा वो प्राइम कॉस्ट में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर नहीं कर रहा है डायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है वो आ गया आपका इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक है, उसका काम नहीं दिखता है, इनडायरेक्ट वर्कर का काम फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल लिया था हमने सर, आपने सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी पे किया जो आपके फैक्ट्री का सिक्योरिटी करता है, ठीक है, तो वो सैलरी वगैरह आपने पे किया। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड, ये तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट लेबर है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से सुपरवाइज कर रहा है कि कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा है, लेकिन वो सुपरवाइजर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट एक्चुअल में नहीं करता है, वो बस काम देखता है किसने कैसे काम किया, ठीक है, तो वो जो सुपरवाइजर को आपने सैलरी पे किया वो इनडायरेक्ट है। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज वहां पे कोई क्लीनिंग स्टाफ रहेगा, उसको वेजेस या फिर आप सैलरी पे कर रहे हो, जो फैक्ट्री क्लीन करता है सिर्फ, ठीक है, जो फैक्ट्री मेंटेन रखता है उसको अगर आपने वेजेस या फिर सैलरी पे किया, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट वेजेस कंसिडर किया जाएगा। ओके चलिएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आगे का पॉइंट हमने देखा था कि जो इनडायरेक्ट लेबर है वो इनडायरेक्ट लेबर कहां पे जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। नेक्स्ट, काफी सारे स्टूडेंट का मुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई आया था कि सर थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना आप वापिस से बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डिस्कस टुडे अगेन, ठीक है। मुझे एक सात आठ स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे क्वेरी आया था कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं समझाए, आप वापिस समझाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप बिंदास व्हाट्सएप करते जाइएगा, क्वेरी आप पूछते जाइएगा, मैं वापिस एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व और डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, यानी अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगर खर्चा डायरेक्टली वही प्रोपोर्शन में बढ़ता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, कल का ही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सपोज सीए इंटरमीडिएट का, ओके सीए इंटरमीडिएट का मैंने बुक प्रिपेयर किया, सारे मेहनत मैंने किया, ठीक है, तो वो जो बुक का कॉस्ट है सपोज 500 रुपीज है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, कम ज्यादा हो सकता है, बाद में रिफंड नहीं मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा नहीं, ये कम ज्यादा हो सकता है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। तो 500 रुपीज का नोट्स है सपोज, वी स्मार्ट एकेडमी 500 रुपीज में नोट्स बेचता है, लेकिन सपोज ये नोट्स की पूरी मेहनत मेरा है, पूरा दिमाग मेरा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं वी स्मार्ट एकेडमी से ये थोड़ा रॉयल्टी लूंगा। क्या रॉयल्टी लूंगा, क्योंकि अब ये जो बुक्स है वो सेल तो वी स्मार्ट एकेडमी करेगा, 500 रुपए तो वी स्मार्ट एकेडमी को मिलेगा, लेकिन मैंने भी तो कुछ उस पे यानी दिमाग लगाया या फिर मेरा भी उसमें मेहनत है, तो मेरा और सपोज वी स्मार्ट एकेडमी का टाइप हुआ है, और वो टाइप क्या है कि ये जो नोट्स है 20% दर्शन तुझे रॉयल्टी मिलेगा, जी हाँ 20% दर्शन तुझे रॉयल्टी मिलेगा, अगर हम एक बुक बेचते हैं तो दर्शन तुझे 200 रुपए का, सॉरी 20% यानी आई गेस 100 रुपीज का दर्शन तुझे रॉयल्टी मिलेगा। ओके तो अब आप ही मुझे बताइएगा, आप आंसर लिखते जाइएगा, ओके आप आंसर लिखते जाइएगा, अगर वी स्मार्ट एकेडमी ने 10 बुक्स सेल किए मेरे, तो वी स्मार्ट एकेडमी को 500 रुपए पर बुक के हिसाब से 5,000 रुपीज मिल जाएगा, ओके और मुझे एज ए रॉयल्टी डायरेक्टली कितना पैसा मिलेगा, अब आप आंसर दीजिएगा।
चलिए आंसर दीजिएगा। अरे फटाफट आंसर दो, क्या कर रहे हो? 1000 रुपीज का रॉयल्टी मिलेगा, 1000 रुपीज का। फटाफट आंसर दीजिएगा, फास्ट आंसर दीजिएगा। कितने का? 1000 रुपीज का मुझे रॉयल्टी मिलेगा, राइट फ्रेंड्स? कैसे आपने कैलकुलेट किया? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर करते हो तो 1000 रुपीज का मुझे रॉयल्टी मिलेगा, राइट फ्रेंड्स? 1000 का रॉयल्टी मिलेगा। सपोज वी स्मार्ट एकेडमी ने 100 बुक्स से सेल किए, बॉस वी स्मार्ट एकेडमी, इन्होंने 100 बुक्स से सेल किए सपोज, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपीज का एक बुक्स है, तो इनको 50,000 रुपीज मिलेगा, ठीक है? सर जी मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मुझे कुछ रॉयल्टी मिल रहा है। कितना रॉयल्टी मिलेगा फ्रेंड? 50,000 का 20%, यानी 10,000 रुपए का मुझे रॉयल्टी मिलेगा। चलो पार्टी करते फ्रेंड्स, 10,000 रुपए मुझे रॉयल्टी मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? एक बुक का मुझे 100 रुपए रॉयल्टी, 10 बुक का मुझे 1000 रॉयल्टी, 100 बुक्स का मुझे सपोज 10,000 रुपए का रॉयल्टी है। तो जैसे जैसे वी स्मार्ट बुक्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस या फिर सेल करते जाएगा, जैसे जैसे वी स्मार्ट एकेडमी ज्यादा से ज्यादा बुक सेल करते जाएगा, वैसे वैसे उनको, वी स्मार्ट एकेडमी को मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो वी स्मार्ट एकेडमी के एंगल से देखते हैं, वी स्मार्ट एकेडमी के लिए रॉयल्टी क्या है बॉस? वी स्मार्ट एकेडमी के लिए रॉयल्टी एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उनको पता है एक बुक मैन्युफैक्चर किया तो 100 रुपए रॉयल्टी दर्शन लेके जाएगा, 10 बुक्स मैन्युफैक्चर किया 1000 रुपए का रॉयल्टी दर्शन लेके जाएगा, 100 बुक्स मैन्युफैक्चर किया तो 10,000 रुपए का रॉयल्टी दर्शन लेके जाएगा। इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या अब आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस विद दिस एग्जांपल एब्सोल्युटली क्लियर है फ्रेंड्स? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जाए। अब कुछ स्टूडेंट को ये जॉब चार्जेस, जॉब वर्क वगैरह ये नहीं समझा था। जॉब चार्जेस क्या है सर जी, ये नहीं समझा, ठीक है कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं वापिस बताता हूं जॉब चार्जेस क्या है। ओके फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा आप, हाँ आप, यस सर आप ध्यान से सुनिएगा। आपका बेंच मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्री है, आपका बेंच मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्री है, और आप फ्रेंड्स बेंच तो मैन्युफैक्चर करते हो, लेकिन मेरे फैक्ट्री से आप वो बेंच कलर करके लेके जाते हो, ठीक है? तो वी स्मार्ट एकेडमी ने, वी स्मार्ट एकेडमी ने आपके कंपनी को, आपके कंपनी का नाम है चैंप लोग लिमिटेड, ठीक है? आपके कंपनी का नाम है चैंप लोग लिमिटेड। वी स्मार्ट एकेडमी ने इसका ऑर्डर आपको दिया है, आपके कंपनी का नाम है चैंप लोग लिमिटेड, एंड चैंप लोग लिमिटेड ये बेंच मैन्युफैक्चर करता है, 100 बेंच का ऑर्डर वीस्मार्ट एकेडमी ने इनको दिया हुआ है, ठीक है? तो एक बेंच का जो कोटेशन है वो सपोज 1000 रुपीज आपने दिया चैंप लोग, आपने वीस्मार्ट एकेडमी को बोला अरे वीस्मार्ट एक बेंच का 1000 रुपीज, 100 बेंच का 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? वीस्मार्ट एकेडमी बोला चलेगा ना बॉस, हमारा करोड़ों में इनकम है, ये क्या है 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ले लेंगे। ओके तो अभी आपने ये 100 बेंच का ऑर्डर तो ले लिया, आप पूरा बेंच वगैरह असेंबल करते हो, ठीक है, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ करते हो, ठीक है, लेकिन लेकिन आपके फैक्ट्री में पेंट मशीन नहीं है, ठीक है? आपके फैक्ट्री में पेंट मशीन नहीं है, तो इमीडिएटली आपने मेरे कंपनी को डीसी पेंट्स, आपने मेरे कंपनी को बोला देख भाई ये 100 बेंच का ऑर्डर आया है, ठीक है, एक बेंच पेंट करने का तू कितना पैसा लेगा? तो मैंने बोला भाई एक बेंच पेंट करने का 100 रुपए लूंगा, एक बेंच पेंट करने का 100 रुपए लूंगा, ठीक है ना? तो अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा, मेन ऑर्डर मिला था, मेन ऑर्डर मिला था चैंप लोगों को, यानी आपको मेन ऑर्डर मिला था चैंप लोगों को, लेकिन वो ऑर्डर में से कुछ काम आपने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, किसी और को जॉब पे दे दिया, तो इसको बोलते जॉब वर्क, इसको बोलते सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब आप मुझे बताएंगे चैंप लोग कंपनी को,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा डिसिपेंट्स को, जल्दी से बताइएगा, वो मुझे आप कितना पैसा पे करेंगे एज अ जॉब चार्जेस, एज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, वॉट एवर, ये नाम आपसे बताइएगा। ₹10,000 मिलेगा, आर यू श्योर? देखो, एक बेंच का ₹100 कंफर्म हुआ था, ऐसे 100 बेंच है तो मैं कितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, इज इट 10,000? परफेक्ट है सर, 10K। ओके दिव्या जी, 10K। ताहा, हिमांशी, प्रतीक, अनुजा, निकिता जी, प्रितेश जी, ओके ₹10,000। तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर है फ्रेंड्स? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, क्योंकि अगर वीस्मार्ट एकेडमी ने और 200 का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ये 100 बेंच तो उन्होंने एक क्लासरूम में लगा दिया, और 200 बेंच का ऑर्डर दिया, तो आपको नहीं लगता है कि आप मुझे ₹20,000 पे करेंगे? अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, अरे आप सोचिए। अब बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आ रहा है फ्रेंड, कि ये जो चैंप लोग है, ये चैंप लोगों ने डीसी को 100 बेंच के लिए ₹10,000 दिया, फिर वीस्मार्ट ने और 200 बेंच का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो वीस्मार्ट ने 200 बेंच का ऑर्डर दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आप मुझे कितना पे करेंगे? ₹20,000 पे करेंगे। तो कैन यू से दैट आपका प्रोडक्शन डबल हो रहा है, 100 का 200 हो रहा है, और मेरा जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस है वो भी मुझे डबल मिल रहा है, 10,000 का 20,000 मिल रहा है, यानी प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन बढ़ेगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस बढ़ेगा, सो प्रोडक्शन कम होगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस कम होगा। परफेक्ट है फ्रेंड्स, ये दो एग्जाम्पल्स है, ये आई थिंक सो दिमाग में सजी छाप गया आपके। ओके झेपा आप सब लोगों को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस झेपा है सब लोगों को? चलेगा, यस सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग सेम है, गॉट इट नाउ? ओके अशोक जी, गॉट इट नाउ, वेरी गुड। अरे झेपा क्या, अरे झेपा या ओवरहेड से, अरे झेपा या ओवरहेड से, क्या इंटरेस्टिंग स्पेलिंग आ रहे झेपा क्या? अच्छा झेपा मींस, समझा क्या, तोड़ मालिक। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलिएगा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अच्छा माइंड में घुस गया, ओके चलिए, तोड़ मालिक। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज इनडायरेक्टली इनकर्ड, ओके प्रोडक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो मटेरियल और लेबर छोड़ के, हाँ खर्चा होना चाहिए वो, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस आपने निकाला, ओके आपने किसी और पर्सन से, यानी आउटसाइड एजेंसी से रिपेयरिंग वगैरह करवा के लिया, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने थर्ड पार्टी से मेंटेनेंस करवा के लिया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी का रिपेयर्स एक्सेट्रा, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है चलेगा। तो यहां तक हमने कल डिस्कस किया था, अब आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट मालिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ ओवरहेड्स, आउटसोर्सिंग किस में आएगा, अभी तो डिस्कस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ओवरहेड्स, और भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो एंड वाले जो 15 मिनट्स का अपना डाउट सेशन है उसमें आप पूछ लीजिएगा। चलेगा, अब आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आर यू रेडी, शुड वी स्टार्ट विद द ओवरहेड्स? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक भी इसका हमें करना है, तो शुड वी स्टार्ट विद द
नेक्स्ट पार्ट दैट इज ओवरहेड्स। चलिएगा जल्दी से रिप्लाई करते रहिएगा। ओके चलिएगा स्टार्ट। यस ठीक है फ्रेंड्स, अब ओवरहेड्स क्या है? चलेगा। यस सर स्टार्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। यस सर अब सुनिएगा फ्रेंड्स, ओवरहेड्स क्या है? जी हाँ सर जी, ओवरहेड्स क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी कुछ है वो सारे के सारे क्लासिफाई होने वाला है आपका ओवरहेड्स में। राइट फ्रेंड्स, ओवरहेड तीन कैटेगरी में जाने वाला है। ओवरहेड्स तीन कैटेगरी में जाएगा। सबसे पहला कैटेगरी है ओवरहेड्स का, सबसे पहला कैटेगरी है प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, सेकेंड वन था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, थर्ड वन था आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखेंगे कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब मुझे वापिस से डाउट नहीं आपने पूछना चाहिए, आप ये कॉमन नाम है ये याद रखिएगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड बोला तो भी चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला तो भी चलेगा या फैक्ट्री ओवरहेड बोला तो भी चलेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कभी कभी प्रोडक्शन वर्ड यूज करता है, कभी कभी फैक्ट्री यूज करता है या कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग, तो वन एंड द सेम है सर। अब फ्रेंड्स प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स, अब लास्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री में लगता है, अगर फैक्ट्री में लगता है तो ये आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है नाउ फ्रेंड्स, बहुत सिंपल मैंने बाइफरकेशन दिया हुआ है, बहुत सिंपल बाइफरकेशन दिया है, अगर आप चेक कर सकते हो सर, एकदम सिंपल बाइफरकेशन दिया है। अब फैक्ट्री में कौन से इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री में कौन से इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री में कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगेस जी हां सर जी, तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में कौन सा है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ऑयल, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल आपने यूज किया, क्लीनिंग मटेरियल आपने यूज किया, और अगर फैक्ट्री के अंदर आपने कुछ स्टेशनरी यूज किया, सपोज प्रोडक्शन की रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए, बराबर है, वो काउंटिंग का रिपोर्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए आपने कुछ स्टेशनरी वगैरह यूज किया, लेकिन प्रोवाइडेड वो फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, ऑफिस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑफिस के अंदर है तो वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। ठीक है ओके, सो फ्रेंड्स ये था आपका इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, ऑयल, कंज्यूमेबल्स, ठीक है, कंज्यूमेबल यानी जो कंज्यूम हो सकता है, सपोज वाटर यूज किया आपने, बाहर से क्या से वाटर परचेस करके लेके आ गए और वो आपने हीट जनरेट करने के लिए वाटर वगैरह यूज किया, बॉइल करने के लिए बॉयलर हाउस में वाटर यूज किया, पेट्रोल डीजल आपने यूज किया जो कंज्यूम हो जाता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा, क्लीनिंग मटेरियल हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी यूज इन अ फैक्ट्री। समझ गया एकदम अच्छे से झेपा सर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बॉस, इनडायरेक्ट लेबर, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपने दे दिया था कल, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर के देखने हैं, तो बॉस सबसे पहले तो आपका फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फैक्ट्री का मैनेजर, ठीक है, उसके बाद था सर जी क्लीनिंग स्टाफ का वेजेस, जी हाँ किसका, क्लीनिंग स्टाफ का वेजेस, सिक्योरिटी स्टाफ का वेजेस, ये सारा जाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस काफी सारे एग्जाम्पल दिए, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा रेंट, रेट, टैक्सेस, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है उसका रेंट पे किया, रेट्स एंड टैक्सेस पे किया फैक्ट्री के बिल्डिंग के, इनकम टैक्स नहीं बॉस, इनकम टैक्स नहीं, ये फैक्ट्री का आपने टैक्स रेंट और रेट्स पे किया है। ओके, देन रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग भी आएगा यहां पे, रिपेयर किया फैक्ट्री बिल्डिंग को, मशीनरी को आपने रिपेयरिंग किया, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है सर। फैक्ट्री के लाइटिंग एक्सपेंसेस, ट्यूबलाइट वगैरह, फैन वगैरह लगाया है फैक्ट्री में वेंटिलेशन के लिए एक्सेट्रा, और दिखना चाहिए इसलिए, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। क्लीन करने के लिए एक्सपेंसेस, किसी और से करवा के लिया, आपके खुद के वर्कर से क्लीन नहीं करवा के लिया, ठीक है, एक थर्ड पार्टी को बुलाया और उसको बोला भाई तू चार्ज जो भी कुछ है वो कर ले और फैक्ट्री क्लीन करके दे दे। नेक्स्ट, फैक्ट्री के टेलीफोन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के टेलीफोन एक्सपेंसेस,
लेबर कॉस्ट को, ओके एक अच्छा क्वेरी पूछा है लोकेश जी ने, लेबर कॉस्ट जो है उसको वेजेस बोलने का या फिर सैलरी बोलने का। अच्छा क्वेरी है कि लेबर कॉस्ट बोलने का या सैलरी बोलने का। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना उनको वेजेस मिलता है, और ठीक है, और थोड़ा सा मिडल या ऊपर लेवल पे काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। अब मैनेजर को वेजेस नहीं मिलता है, मैनेजर को सैलरी मिलता है। सुपरवाइजर को वेजेस नहीं मिलता है, सुपरवाइजर को सैलरी मिलता है। लेकिन वो मशीन मैन रहता है, जो मशीन पे काम करता है उसको वेजेस मिलेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। जी हाँ सर जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपका टेस्ट है, देखते कितना लोग बराबर से आंसर देते हैं। आपका टेस्ट है, देखते कितना लोग आंसर देते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर कहां पे होएगा? रॉ मटेरियल स्टोर कहां पे होएगा? जल्दी से, रॉ मटेरियल स्टोर कहां पे होएगा? अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे यही आंसर एक्सपेक्टेड थे। कुछ लोग बोल रहे गोडाउन, कुछ लोग बोल रहे वेयरहाउस और स्टोर हाउस, कुछ लोग बोल रहे, ठीक है। सो यही पॉइंट के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपके दिमाग में जो जो पॉइंट है वो बोलते जाइएगा, क्योंकि क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्टिंग में स्टोर रूम एंड वेयर हाउस ये अलग कंसीडर किया जाता है। बॉस, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है और वेयर हाउस में फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम यूज करना आप। रॉ मटेरियल कहां पे स्टोर होता है? तो स्टोर रूम में, ठीक है, और वेयर हाउस में क्या स्टोर होता है सर जी? फिनिश गुड्स स्टोर होता है। इसके बाद वाला पॉइंट है कि स्टोर रूम कहां पे रहता है? तो स्टोर रूम रहता है आपका फैक्ट्री में, ऑब्वियसली ना, प्रोडक्शन जहां पे करना है वहां पे तो रॉ मटेरियल लगेगा ना। ठीक है सर जी, प्रोडक्शन करना है पुणे में और सर जी स्टोर रूम रखा है आपने नासिक में, चलेगा क्या? नहीं ना, जहां पे आपका फैक्ट्री वहां पे आपको स्टोर रूम रखना पड़ेगा। अच्छा, वेयर हाउस कहां पे रखते हो सर? ऑब्वियसली वेयर हाउस फैक्ट्री के बाहर ही रहता है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरा फैक्ट्री नासिक में है, मेरा फैक्ट्री नासिक में है, और मुझे ऑल ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, मेरा फैक्ट्री नासिक में है, मुझे ऑल ओवर इंडिया में गुड्स भेजना है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट गुड फ्रॉम द नासिक, बट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज ऑल गुड फ्रॉम मुंबई, तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो वेयर हाउस है वो मुंबई के आजू बाजू रखूंगा, सो दैट मुंबई से मैं सारे जगह पे जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, चलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका स्टोर रूम का और वेयर हाउस का। ठीक है, चलिए अब कुछ रैपिड फायर खेलते हैं। स्टोर रूम का रेंट, स्टोर रूम का रिपेयर्स, स्टोर रूम का मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस, स्टोर रूम का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टोर रूम में आपने सपोज कुछ फर्नीचर किया है उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है और मुझे आंसर एक ही मैसेज में पूरा आंसर चाहिए, एक ही मैसेज में पूरा आंसर चाहिए, तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो, क्योंकि जितना मुझे कल क्वेरी आया था उससे मुझे ये पता चला कि कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है कि मटेरियल किसको बोलते हैं, लेबर किसको बोलते हैं और एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन हो रहा था। 5-6 मैसेज मुझे आए थे, तो मैं और क्लैरिटी लाता हूं। ओके,
स्टोर रूम के मैंने एक्सपेंसेस दिए हैं, जो भी कुछ खर्चा कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये मटेरियल है या फिर ये लेबर है या फिर ये एक्सपेंसेस है। ओके, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप एक साथ तीनों क्वेश्चन के आंसर देना। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है, एंड दैट थर्ड क्वेश्चन इज दैट, इज इट अ फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इंडिविजुअल आंसर मत देना, एक ही मैसेज में तीनों क्वेश्चन के आंसर देना, सो दैट आई कैन चेक योर आंसर। अदरवाइज ये बहुत ही इतने सारे लोग जुड़े हैं लाइव सेशन के लिए, मुझे वो डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। चलिएगा फटाफट से, फटाफट से। क्या बात है उमंग जी, पवन, दिव्या, दिव्या जी, रवि जी, कमलेश जी, वेंकटेश जी, आदित्य जी, पूरा आंसर लिखिएगा, जीनल जी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। निकिता जी, क्या बात है, अरे तोड़, अरे धीरे धीरे, मेरे को पढ़ते भी नहीं हो रहा है। प्रगति जी, सुनीता जी, ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट, माय गॉड। राहुल जी, प्रतीक जी, ओके, युक्ता जी, कौशिक जी, हर्षा जी, ओके, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है और एकदम करेक्ट आंसर दिया है। मैं देख पा रहा हूं 99% स्टूडेंट ने आंसर बराबर दिया है, 1% भी आई गेस किसी ने गलत नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि रेंट पे किया, रिपेयर किया, मेंटेनेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी या डेप्रिसिएशन, ये क्या है? मटेरियल है, ऑब्वियसली नहीं। फ्रेंड्स, मटेरियल किसको बोलते हैं भाई? टेंजिबल कुछ तो आना चाहिए हाथ में, ओके, उसको मटेरियल बोलेंगे ना। वुड लेके आ गए, आयरन एंड स्टील लेके आ गए, ये मटेरियल है। लेकिन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सर कुछ टेंजिबल आ ही नहीं रहा है ना, तो ये मटेरियल नहीं है। रेंट क्या वर्कर को पे करते हैं क्या, या वो सैलरी है? आंसर इज नो, तो ये लेबर नहीं। तो ऑब्वियसली आपने परफेक्ट आंसर दिया, दैट इज ये एक्सपेंसेस है। तोड़ मालिक, शाबाश। इसके बाद ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अब आप मुझे बताइएगा, स्टोर रूम में प्रोडक्शन होता है या एग्जैक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्शन होता है? आपका आंसर रहेगा प्रोडक्शन फ्लोर पे। तो ये स्टोर रूम में डायरेक्टली प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं सर, ये स्टोर रूम इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर करके कर करके रॉ मटेरियल सप्लाई कर करके वो हेल्प कर रहा है सर। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है, आपके दिमाग में फिट हो गया ये। तो ये डायरेक्टली नहीं है सर जी, ये तो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। क्या बात है, अब आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि बॉस ये जो है ये फैक्ट्री में लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन में लगा है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है? तो बराबर है सर जी, स्टोर रूम। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, बहुत एकदम सिंपल पॉइंट डिस्कस किया था कि स्टोर रूम कहां पे रहेगा भाई, फैक्ट्री में ही रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है तो रॉ मेटेरियल स्टोर्स फैक्ट्री में ही तो करना पड़ेगा। तो ये कौन से ओवरहेड्स आ गए? ये आ गए आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बात है सर, ये तीन पॉइंट समझा, कैसे वर्किंग करना है समझे सब लोगों को। सबसे पहले क्या देखना है, क्या ये मटेरियल है या लेबर है या ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ओके। फिर आपको ये देखना है कि ये फैक्ट्री में लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन में लगा है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है। तो चैंप लोग, अब आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते। आई होप क्लैरिटी आ रहा है अभी आपको। यस सर, ऑब्वियसली क्लैरिटी आएगा सर जी, ये तीन स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ओके। चलिए मैं अगला आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी हाँ सर जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपके फैक्ट्री में एक सेक्शन में फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो, सर जी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कुछ मटेरियल लगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट लगा, सपोज सबसे पहला कॉस्ट आपको लगा पेट्रोल, दूसरा लगा सपोज डीजल, ठीक है, इसके बाद तीसरा लगा सर आपको ऑयल, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको सपोज वहां पे कुछ वर्कर लोग हैं, उनको वेजेस पे किया, ठीक है, वो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये वर्कर वगैरह बाद में पूछता हूं, चलो जल्दी बताइए, वो वही अपना तीन स्टेप, क्या ये मटेरियल है, क्या ये लेबर है, क्या ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये डायरेक्ट है या आपका इनडायरेक्ट है, और तीसरा क्वेश्चन क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, चलिए अरे 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 आप कैसे आंसर लिख रहे हो, आंसर में मैंने आपको क्या बोला था, एक ही आंसर में मुझे तीनों चाहिए सो दैट आई कैन चेक, अच्छा ये पेट्रोल डीजल एंड ऑयल, पेट्रोल डीजल एंड ऑयल आपने यूज किया, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सर जी ये मटेरियल है, ओके लेबर नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट है, कैसे क्या इनडायरेक्ट है, ये मटेरियल फर्नीचर के लिए यूज हो रहा है, नो 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 नो, ये मटेरियल मटेरियल यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर के लिए यूज हो रहा है, आहा ये उसके लिए और वो उसके लिए, जो मटेरियल लगा है वो फर्नीचर के लिए नहीं लगा है, ये मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और इलेक्ट्रिसिटी मशीन के लिए यूज, फर्नीचर के लिए यूज किया, इसका मतलब डायरेक्ट थोड़ी हो गया, ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट हो गया, ओके, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहां पे था, ये मैंने बोल दिया, ये आपका फैक्ट्री में था, तो ये क्या आएगा आपका फैक्ट्री के ओवरहेड से आएगा, ओके ठीक है सर, अब एक और क्वेश्चन आपसे, आई होप आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है सब्जेक्ट में, फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपसे, फ्रेंड्स आपके फैक्ट्री में फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वही एक फैक्ट्री के एक पार्ट में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या फिर टेस्टिंग है, जो नए नए डिजाइन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहता है, नए नए मटेरियल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहता है, या फिर ये जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है ना वो चेक करता है प्रोडक्शन बराबर से चल रहा है या नहीं चल रहा है, मटेरियल आपने क्वालिटी का लाया या आपने क्वालिटी का नहीं लाया, ये वो चेक करता है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेस्टिंग डिपार्टमेंट है ना, वहां पे टेस्टिंग मटेरियल आपने यूज किया, टेस्टिंग मटेरियल आपने यूज किया, ठीक है, टेस्टिंग मटेरियल जैसे लैब लैब वगैरह रहता है ना, लैब में कुछ टेस्टिंग के लिए मटेरियल रहता है, ठीक है, हमने स्कूल में बहुत सारे ये जो साइंस के प्रैक्टिकल करते हुए बहुत तोड़फोड़ किया रहेगा ना, तो वो आप समझिए वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट R&D, ओके, तो टेस्टिंग मटेरियल यूज किया, चलो जल्दी आंसर लिखिएगा, मटेरियल है लेबर है या फिर सपोज आपने ना कोई केमिकल यूज किया, यस सर जी केमिकल यूज किया ये टेस्टिंग करने के लिए सपोज,
तो आप जल्दी से लिखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, वो तीन क्वेश्चन, ये मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और फ्रेंड्स ये फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप आंसर लिख रहे हो सर जी ये जो टेस्टिंग है वो मटेरियल है। सर क्या मजा ले रहे हो सर, आपने तो लिखा है ना मटेरियल, ओके ये मटेरियल, आंसर इज इनडायरेक्ट है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है मेरा फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए, ओके। और इसके बाद ये कहां पे लगा है, तो मेरा ये फैक्ट्री में लगा है, ये कहां पे लगा है, मेरा फैक्ट्री में लगा है, ओके। मटेरियल है, इनडायरेक्ट है, और प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो जल्दी 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 सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो अभी, चलो आ गया मुझे, मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करो, जल्दी से आप आंसर देंगे। जी हां, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यह है, मैनेजर का सैलरी पे किया, ये आरएनडी का एक मैनेजर था या ये टेस्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर था, सैलरी था, और यहां पे कुछ लोग काम कर रहे थे उनको मैंने वेजेस पे किया सर। अरे बोलो आंसर दो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जरा जरा जल्दी आंसर दो। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, वहां पे एक मैनेजर था उसको सैलरी पे किया, सो वो 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट था वहां पे वर्कर्स है, वो टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको आपने वेजेस पे कर दिया, सपोज 10,000 रुपीज का पूरे मंथ का वेजेस है, तो जल्दी से बताइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, चेक, 1 2 3, चेक, 1 2 3, बोलो, ओके। तो सबसे पहले तो आपने एकदम बराबर बोला कि हाँ सर, सर ये लेबर है, सैलरी और वेजेस इसका मतलब क्या है, सर ये लेबर है, ओके जेपा। इसके बाद सर ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये वर्कर ने डायरेक्टली प्रोडक्शन किया ही नहीं है, प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली हेल्प किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली हेल्प किया है रॉ मटेरियल टेस्टिंग वगैरह करके, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चर नहीं किया है, ओके। और ये लगा कहां पे, ऑब्वियसली ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, ये कहां पे रहेगा, आपके फैक्ट्री में रहेगा, तो ये कौन से ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। गया दिमाग में सर, बहुत डिटेल में मैंने आज एक्सप्लेन किया सर जी, बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जांपल ले लेके एक्सप्लेन किया है, आई होप ये 100% आपके दिमाग में फिट हो गया है, 100% आप, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। जी हां चलिएगा, चलो चलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, सीए लोग, अब आपके काम में चलते हैं, ठीक है। अरे सीए लोग, अरे चैंप लोग, सीए बनने के बाद ऑडिट करने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग का वगैरह देखने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह करने के लिए आप कहां पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, समझ गया ना, ऑफिस में क्या रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन वाले लोग ऑफिस में नहीं आते हैं, ऑफिस में क्या है सर जी, ऑफिस में सारे जनरली सैलराइड पर्सन रहते हैं, इनको सैलरी मिलता है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जी हां सर जी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपका ऑफिस में इनकर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इनकर होता है, ठीक है, तो वो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, वो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ओके, वो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ठीक है सर जी। ईमानदारी में आगे का मत पढ़ना, ईमानदारी में आगे का मत पढ़ना सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आपसे आंसर चाहिए, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आंसर चाहिए, देखना मत आगे के, जो नोट्स आपने ना डाउनलोड किया वो देखना मत, फटाफट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका जो ऑफिस है वो ऑफिस में प्रिंटिंग मटेरियल है, स्टेशनरी है जो चोरी होता है, स्टाफ चोरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर है, देखिए सर, सीए फाइनल के जो कुछ स्टूडेंट रहते हैं ऑफिस का कैलसी यूज करते हैं, अब कैसे समझने का,
कैलसी खुद का नहीं, ऑफिस का है, धपाधप अगर कैलकुलेशन करते ना, जोर जोर से मार मार के करते तो समझ जाने का वो जो कैलकुलेटर है वो ऑफिस का है। गुस्सा आया गिरा दिया, समझ लेना कैलकुलेटर ऑफिस का है, ठीक है। तो प्रिंटिंग मटेरियल, स्टेशनरी, ठीक है, आपने यूज किया। पहले तो ये बताइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जल्दी बताइएगा मटेरियल है सपोज। और मैं क्लीनिंग के लिए मटेरियल यूज किया आपके ऑफिस में, ठीक है। सर जी, आप फुकट का कॉफी पी रहे हो, फुकट में एकदम ऑफिस में, हर आधे घंटे में कॉफी चेप रहे हो, ठीक है, हर आधे घंटे में हावड़े जैसे कॉफी चेप रहे हो आप, ओके। तो इसके लिए कुछ कॉफी के लिए वो मिल्क वगैरह, ठीक है, और शुगर वगैरह ऐसा कुछ तो भी आपको लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है सर जी? तो ये तो आ गया मटेरियल, आ गया, ओके ओके, ये मटेरियल आ गया। क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? नहीं, ये तो फर्नीचर इंडस्ट्री है, और फर्नीचर के लिए ये प्रिंटिंग मटेरियल, स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज हुआ है, ठीक है, जो आप कॉफी चेप रहे हो, ठीक है, और क्लीनिंग मटेरियल एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये फर्नीचर के लिए यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है, ओके, ये आपका इनडायरेक्ट, ओके। और ये कहां पे यूज हुआ है दोस्तों? ये यूज हुआ है ऑफिस में, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसको आप ऑफिस ओवरहेड भी बोल सकते हैं। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपको ऑब्जर्व करना है, फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तोड़ मालिक। चले, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वो आपका अकाउंटेंट है, उसको सैलरी पे किया, अकाउंटेंट है, सैलरी पे किया, ठीक है, ऑफिस का सर जी प्यून है, ऑफिस का जो स्टाफ है वो स्टाफ को सैलरी पे किया, ऑफिस में जो मेंटेनेंस रखते हैं वो मेंटेनेंस का आपने सपोज वेजेस पे किया, वर्कर लोगों का वो जो है वो वेजेस पे किया, ठीक है, ऑफिस में। इसके बाद आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मैनेजिंग डायरेक्टर आपको सैलरी, आपका सैलरी वगैरह ले रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा ये क्या है सब कुछ? सबसे पहले तो क्या है, मटेरियल है, लेबर है, या वेजेस है, या फिर एक्सपेंसेस है? फास्ट आंसर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, जल्दी। ओके, आंसर आ गया है रितेश जी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट विधि जी, ओके। सबसे पहले तो भाई ये मटेरियल नहीं है, वेजेस और सैलरी आ गया, इसका मतलब ये लेबर है, ओके। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया, सेकंड डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन में थोड़ी इन्होंने कुछ काम किया है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और नेक्स्ट वन, ये कहां पे है, कहां पे काम कर रहे हैं? फैक्ट्री में? नहीं, ये काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो ये है आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सर आप लोग तो चैंप हो गए, सर आप ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हो, फटाफट आंसर दे रहे हो, वी आर इन जस्ट सेकेंड लेक्चर, और करके लेक्चर में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सेकेंड लेक्चर में आप देखिए कितना क्लैरिटी आ रहा है। सर सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट ये सब्जेक्ट का यानी बहुत टेंशन, कुछ लोगों का रहता है भाई कॉस्टिंग में 40 आ गए तो भी बहुत है, कॉस्टिंग में 40 आ गए तो भी बहुत है, लेकिन आप सही मानो जैसे ही अपने लेक्चर कंप्लीट होएगा तो आप ही बोलेंगे सर इससे ज्यादा स्कोरिंग का सब्जेक्ट पूरे सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, ठीक है। आगे आप बोलेंगे सर आप पढ़ाते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, आप रुकिए ना सर, आप एंड तक रहिए, आप आगे का टॉपिक आएगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा, आगे का टॉपिक और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और सर जी मजा आएगा, स्कोर करना बहुत इजी है ये सब्जेक्ट में, रादर अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ अकाउंट्स भी आपका अच्छा खासा स्कोरिंग है, लेकिन यहां पे और मजा आएगा, चलिएगा सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, ये जो आप ऑफिस बिल्ड, उसका रेंट पे किया, उसका रेट्स पे किया, उसका टैक्सेस पे किया, वो जो फैक्ट्री का बिल्डिंग खुद का अगर रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन, आपका ये जो ऑफिस है वहां पे जो कंप्यूटर है,
वो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, ये जो फैक्ट्री ऑफिस, सॉरी ऑफिस है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इंटरनेट एक्सपेंसेस है। ओके, इसके बाद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया आपने आपके वहां पे इक्विपमेंट का, इसके बाद वहां पे फर्नीचर पे बैठे हो आप, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, और कितने सारे एग्जांपल्स मैंने ले लिए, ठीक है। वहां पे इंश्योरेंस किया आपने, बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया, ठीक है, वहां के वर्कर लोगों का, सॉरी एम्प्लॉय लोगों का आपने इंश्योरेंस किया, ठीक है। कि अब आप आंसर दीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फटाफट से आंसर दीजिएगा। यस सर, वन टू थ्री, यस सर। तो सबसे पहले ये मटेरियल नहीं है ना, ये लेबर है, तो ये आ गया आपका एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके मालिक, बहुत अच्छे से समझ गया। अच्छा, इनडायरेक्ट है तो कहां पे इनकर हुआ है? ऑफिस में हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलेगा सर, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, साउंड बहुत क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। कुछ स्टूडेंट साउंड का क्वेरी रेज कर रहा है, लेकिन क्लियर एकदम, यस। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है। जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साथ में यूज होता है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके, चलेगा सर। अब सेलिंग ओवरहेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मार्केटिंग करने के लिए या सेल करने के लिए आपने यूज किया, तो इट विल बी अ सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। तो बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सेल कहां पे होता है, तो एक स्टोर्स पे होता है, ठीक है, या फिर आउटलेट पे होता है, ठीक है, शॉपिंग मॉल वगैरह, वहां पे आप कुछ सेल करेंगे, आउटलेट पे सेल करेंगे। बस आपको वो सोचना है और क्या एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है। फ्रेंड, सपोज एचकेसी मॉल में, एचकेसी फर्नीचर मॉल, यहां पे चैंप लोग लिमिटेड, इनका एक ये मॉल में शॉप है, यानी आपका यहां पे शॉप है, जहां से ये जो फर्नीचर है वो आप कस्टमर को बेचते हो, ठीक है। अब ये सेल्स आउटलेट पे आपको क्या क्या खर्चा लगेगा? ऑब्वियसली आपको कुछ मटेरियल लगेगा, आपको कुछ लेबर लगेगा या फिर सैलरी, और कुछ एक्सपेंसेस आपको लगेगा, ठीक है, ये जो बेचने के लिए। अच्छा, मटेरियल क्या लगेगा? सपोज ये स्टोर्स क्लीन करने के लिए क्लीनिंग मटेरियल लगा। ओके, एक। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको लगेगा। ओके, तो ये आएगा आपका मटेरियल। लेबर क्या हो गया फ्रेंड्स? आपने सैलरी पे किया, सेल्समैन का, सेल्स मैनेजर का सैलरी आपने पे किया, या फिर वहां पे जो वर्कर्स है, जो स्टोर्स में काम करते हैं, उनका सैलरी आपने पे किया, ये लोगों को कमीशन वगैरह आपने पे किया, ठीक है, ये आएगा आपका लेबर या फिर सैलरी। और एक्सपेंसेस वही सारे, आपने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ, वहां पे कुछ इक्विपमेंट रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, फर्नीचर रहेगा, उसका डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस, आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाया, ये सारा आएगा एक्सपेंसेस में।
चलिए, तो ये था आपका सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। आप चेक कर लो मटेरियल में क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, क्लीनिंग मटेरियल यूज किया है, अच्छा कॉस्ट ऑफ कैटलॉग और लिस्ट प्राइस। अच्छा देखिए, आप कोई भी शॉप में जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं भाई एक कैटलॉग बता, कौन सा प्रोडक्ट तू बेचता है, क्या प्राइस लिस्ट है। से फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जाते हो, और फ्रेंड्स होटल में आप मेनू कार्ड, ठीक है ना, तो वही रहता है प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं कैटलॉग या फिर लिस्ट प्राइस। तो ये जो प्रिंट वगैरह ये खर्चा, ओके। नेक्स्ट वन, इंडायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा, सेल्स डायरेक्टर का सैलरी, सेल्स मैनेजर का सैलरी, सेल्स ऑफिसर का सैलरी, सेल्समैन का सैलरी, अदर स्टाफ, ठीक है, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका सैलरी, वेजेस एंड सैलरी ऑफ क्लीनिंग स्टाफ, ठीक है। एक टीटी इंडस्ट्रीज कौन है, उन्होंने बोला हमाल, ओके ठीक है, तो ये हमाल भी इनडायरेक्ट यानी एक्सपेंसेस, यानी आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा, ओके चलेगा। नेक्स्ट पार्ट था आपका एक्सपेंसेस, वही सारे एक्सपेंसेस है, रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट वन है रिपेयर्स मेंटेनेंस, इंश्योरेंस है, इसके बाद इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, लाइटिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे आपके एक्सपेंसेस में कवर होएगा, ओके चलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट, नहीं आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट नहीं है, ओवरहेड्स का लास्ट पार्ट है, ओके ओवरहेड का लास्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब यह है आपके वेयरहाउस से कस्टमर तक लेके जाना, या फिर आपके सेल्स जो डिपार्टमेंट है वहां से कस्टमर तक लेके जाना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अगेन, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एनालाइज करना है व्हीकल, आपको एनालाइज करना है वेयर हाउस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेयर हाउस क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेयर हाउस क्या है, जहां पे फाइनल प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है वो वेयर हाउस है, और स्टोर रूम क्या है, जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो वो ट्रक व्हीकल, ठीक है, जिससे आप वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री का डिस्टेंस से हमें कोई डिसाइड नहीं करना है, वो कुछ स्टूडेंट डाउट पूछ रहे कि सर जी फैक्ट्री का एरिया कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, 1 किलोमीटर, 10, 50 किलोमीटर, उससे हमारा कोई कंसेप्ट में ये नहीं रहता है, यस चलिएगा। नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से मटेरियल यूज होएगा फ्रेंड्स, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, क्लीनिंग मटेरियल यूज किया, पेट्रोल डीजल ऑफ दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये आपका इंडायरेक्ट मटेरियल आएगा। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या, लेबर में क्या आएगा, सैलरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर और पैकर जो पैकिंग करते हैं उनका सैलरी, डिस्पैच स्टाफ का सैलरी, वेजेस ऑफ द ड्राइवर, क्लीनिंग स्टाफ, ठीक है, जो लोड करवा रहे अनलोड करवा रहे उनका वेजेस एंड सैलरी विल बी कवर्ड हियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, वो जो गोडाउन है वो गोडाउन का या फिर वेयरहाउस है उसका रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ठीक है, बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन कुछ रहेगा, रिपेयर्स रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, इसके बाद लाइटिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस रहेगा, कैरेज आउटवर्ड इंश्योरेंस, आपने गोडाउन में इंश्योरेंस करवाया तो ये कवर होएगा। जी हाँ सर, अब एक क्वेश्चन है आपसे, टोल टैक्स आपने पे किया, वो जो व्हीकल है जिसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो व्हीकल का आपने शोरूम में जाके रिपेयरिंग वगैरह किया, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, 1 2 3, 1 2 3, क्या ये मटेरियल है, क्या ये लेबर है, क्या ये एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 2 3, वन टू थ्री,
टीटी इंडस्ट्रीज, आप जो क्वेरी पूछ रहे हो फ्रेंड्स, ये फ्रेशर की बैच है, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे उनके लिए है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे वो बेसिक पहले एक्सप्लेन करने, तो फिर वो स्पेसिफिक वो पैकिंग का क्या करना है वो स्पेसिफिक मैं करवा लूंगा, ठीक है। ये थोड़ा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 12th का इन्होंने अभी एग्जाम दिया है या फिर फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, तो नॉट 12th, फाउंडेशन का एग्जाम दिया हुआ है, तो ये इनके लिए है जो स्पेसिफिक है। और ये सेकेंड लेक्चर है, तो जो स्पेसिफिक है कि पैकिंग का क्या करना है। बॉस पैकिंग में तीन टाइप है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और स्पेशल पैकिंग। अभी बता दूंगा तो सबको नहीं समझ में आएगा, तो वो क्वेरी आप मुझे प्राइवेट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके चलिएगा। सबसे पहले तो ये है एक्सपेंसेस, दूसरा ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तीसरा ये किसके लिए लगा है, फैक्ट्री नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सेलिंग नहीं, ये किसके लिए लगा है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगा है। तो ये आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आई होप एब्सोल्युटली ये जो ओवरहेड है ये आपके दिमाग में फिट हो गया है, एब्सोल्युटली दिमाग में ये फिट हो गया है। ओके तो फ्रेंड्स हमें लगभग 1.5 लेक्चर लग गया ये एक ही पॉइंट डिस्कस करने में, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सर हमने इन्वेस्ट किया ये 1.5 लेक्चर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके सो यहां पे हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा सिंपल पार्ट की तरफ आता है, जो ये टॉपिक का डिफिकल्ट पार्ट था, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब सर थोड़े मजा आएगा, सिंपल सिंपल पार्ट हम लोग कवर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यस सर। फ्रेंड्स क्लास ए, अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये ओवरहेड्स टॉपिक में यूजफुल है, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में यूजफुल है, ये आपका बजेट्स एंड बजेटरी कंट्रोल में यूजफुल है। तो मैं अब तक का, ठीक है, अब तक का कॉस्टिंग के लेक्चर का सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला था एलिमेंट और दूसरा था फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सपोज क्लास में चला रहा हूं, मुझे सपोज दो खर्चा लग रहा है, अभी सिर्फ दो ही खर्चा ले रहा हूं, एक लग रहा है मुझे क्लासरूम का रेंट और दूसरा एक्सपेंसेस मुझे लग रहा है फ्रेंड्स नोट्स का खर्चा, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू नोट्स। एक नोट्स का खर्चा है और एक क्लासरूम का खर्चा है। मेरे क्लासरूम का कैपेसिटी है 500 स्टूडेंट का, मेरे क्लासरूम का कैपेसिटी है 500 स्टूडेंट का। ओके और जो रेंट है मेरे क्लासरूम का वो 1 लाख रुपीज पर मंथ है, और दूसरा नोट्स का एक्सपेंसेस। अब ये जो नोट्स का खर्चा है वो 500 रुपीज पर स्टूडेंट है। ओके अब आप मुझे बताएंगे, मैं कॉलमनर फॉर्म में ले रहा हूं, मेरे पास 10 स्टूडेंट आए, मेरे पास 20 स्टूडेंट आए, मेरे पास 50 स्टूडेंट आए, मेरे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, और मैं बैच चला रहा हूं, फेस टू फेस बैच सपोज चल रहा है अपना। सपोज मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा, अब आप आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी मुझे क्लासरूम का रेंट, अरे क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, जल्दी आंसर दीजिएगा, मुझे क्लासरूम का रेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड है, पहले तो सर जी नेचर समझते हैं, कंसेप्ट पे आता हूं सर जी, ये एग्जाम्पल समझ गया ना, कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा।
जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। 10 स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है तो 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। 20 स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है तो 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। 50 स्टूडेंट आता है तो भी मुझे 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। 100 स्टूडेंट आता है तो भी मुझे 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 500 स्टूडेंट तक कितने भी आने दो, 500 स्टूडेंट तक कितने भी आने दो सर जी, मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख। तो क्या ये वेरी हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, आपसे बात कर रहा हूं, हां आपसे, क्या ये वेरिएबल है, वेरी हो रहा है या ये फिक्स है सर? 500 स्टूडेंट तक फिक्स है, और सपोज लॉकडाउन हो गया, 0 स्टूडेंट आए, फिर भी मुझे 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइएगा नेचर क्या है रेंट का, क्या ये वेरी हो रहा है या ये फिक्स है, क्या ये वेरी हो रहा है या फिक्स है? आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे, अब आप बताइए वेरी है या फिक्स है, अब आप आंसर दीजिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, ओके फिक्स्ड है, एकदम बराबर फिक्स्ड है, परफेक्ट सर, चैंप लोग, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। ये अगर समझ में आ रहा है तो फिर कंसेप्ट पे जाएंगे हम लोग। ओके अब चलो सर, नोट्स कितना लगेगा, मुझे नोट्स का खर्चा बता दीजिएगा। 10 500 रुपीज का है तो मुझे पहले केस में तो 5000 लग गया, नेक्स्ट केस में मुझे 10000 लग गया, नेक्स्ट केस में मुझे आई गेस 25000 लग गया, और नेक्स्ट केस में मुझे सपोज आई गेस 50000। नो नो, एक बार चेक करो सर, आंसर बराबर है ना मेरा, 50000, परफेक्ट है। तो सर जी 5000 10000 25000 50000, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, मेरा ये जो नोट्स का खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है, मेरा ये जो नोट्स का खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है। तो सर जी नोट्स एक फिक्स है या वेरिएबल है? सर जी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट माय आउटपुट, स्टूडेंट जो मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, तो वो सर जी सपोज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, आउटपुट अगर ज्यादा आ रहा है तो मुझे ज्यादा नोट्स, ज्यादा स्टूडेंट आ रहा है तो ज्यादा नोट्स मुझे देना पड़ेगा। तो इसका नेचर क्या हो सकता है, क्या ये फिक्स है या ये वेरी हो रहा है? वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है, वेरिएबल। और कितना सिंपल है, एक और आता है सेमी वेरिएबल, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो सिंपल है पहले वो हम लोग सीखेंगे। ओके वेरी विद द स्टूडेंट, क्या परफेक्ट आंसर दिया है गरिमा, इन्होंने आंसर दिया यस इट विल वेरी विद द स्टूडेंट। अगर ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो ज्यादा नोट्स दो, कम स्टूडेंट आते हैं तो कम नोट्स दो, जितने स्टूडेंट आए उतना नोट्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन रेंट जो आपने पे किया है सर, वो 500 तक कितने भी बिठा दो, रेंट तो आपको 1 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो ये दो बिहेवियर हो गया सर जी कॉस्ट का, एक हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। अब आपको देखते समझ में आता है क्या, आपका गलत नहीं हो सकता। ओके थैंक यू, अरे टीटी इंडस्ट्रीज आपका नाम क्या है बता दीजिएगा, टीटी इंडस्ट्रीज, पता चला कोई फैक्ट्री का बहुत बड़ा ओनर मेरा लेक्चर देख रहा है। चलिए ओके, चलेगा, अब आंसर देना बंद करो पहले, और जितनी भी ताकत है वो ताकत यहां पे लगा दो, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे लगा दो, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, वेरिएबल कॉस्ट, बस बस बस, अब आप कमेंट नहीं करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट। सर जी वेरिएबल कॉस्ट में बॉस वेरी, छोटा वर्ड क्या है उसमें, वेरी, वेरी का मतलब चेंज होना, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कम होगा। चलो जल्दी से आंसर दीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? जल्दी पढ़ के मत बताओ, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
ये क्या है फ्रेंड्स, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। देखो यहां पे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट का और प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। प्रोडक्शन कम होएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका कम होएगा। जीरो प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका जीरो आएगा, राइट फ्रेंड्स। अब एक पॉइंट दिमाग में आप फिट कर दो, ठीक है, छाप लो आपके दिमाग के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। क्या है, जोर से बोलो, समझने दो आपके घर में, आपके ऑफिस में सबको, बोलो जोर से, मैंने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। जोर से चिल्लाओ बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। आजू बाजू लोगों को समझना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। इन आवर एग्जाम्पल, सर जी नोट्स कितना भी प्रिंट करो, पर नोट्स खर्चा तो 500 रुपए ही लगेगा। आप 1,000 प्रिंट करो, 5,000 प्रिंट करो, कितना भी प्रिंट करो, लेकिन एक नोट्स का खर्चा तो 500 ही लगेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का सर जी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। बोलो जोर से, जय माता दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। ओके चलिए, क्या क्या बोला सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और आगे का एक पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं, जी हां मालिक, अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं, देखिएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, अच्छा मम्मी मारेगी सर, अरे नहीं मारेगी जी हाँ सर फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिया है 10,000, 5,000, या फिर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 100, 200, 300 आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट कंसीडर किया है। ओके सर, आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओके फ्रेंड, जल्दी से बताइएगा, वेरिएबल कॉस्ट लाइन, एक 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 चैंप क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चैंप लोग इसका आंसर देंगे, सर ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन तो आपने ड्रॉ किया है, ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हुआ सर? अब आपको आंसर, आप मुझे आंसर दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे इधर से या फिर और किधर से चालू क्यों नहीं हुआ सर जी, आपने उसको इंटरसेक्शन से ही क्यों स्टार्ट किया है? चलो आंसर दो, चैम स्टूडेंट रहेगा जो इसका आंसर देगा। चैम स्टूडेंट रहेगा जो इसका आंसर देगा। ओ हो, सर मैं कुछ इंटेंशन है इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, बॉस फ्रेंड्स, ठीक है, आप क्लैरिटी रखिएगा ये सारे पॉइंट्स के अंदर, बॉस आप क्लैरिटी रखिएगा। ओके परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके कितना जबरदस्त हो सर आप लोग, मान गए, अगर प्रोडक्शन जीरो है, ठीक है, अगर मैं क्लास ही नहीं ले रहा हूं तो नोट्स प्रिंट नहीं करूंगा, तो जीरो प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होएगा, इसकी वजह से वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। कितना बराबर है कि एक भी स्टूडेंट आंसर दिया है राहुल जी इन्होंने, कि सर अगर आपके क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो नोट्स क्यों छपवाएंगे आप? आगे परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए तो आई होप ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये क्लियर है वेरिएबल कॉस्ट का। वापिस से बता देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। चलिएगा नेक्स्ट, आज का सेकंड लास्ट पॉइंट क्या पास आ रहे, जी हां मालिक,
फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी देर पहले समझ लिया था फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, थोड़ी देर पहले समझ लिया था फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, विल नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। सर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, दो समझ ले। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत बार वर्ड यूज होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। रेंट कैसे पे करते हो, प्रोडक्ट वाइज पे करते हो या पीरियड वाइज, मंथली रेंट है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाइज पे करते हो या फिर इंश्योरेंस आप पर एनम वगैरह पे करते हो, पर एनम, दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। टेंशन मत लो, अभी नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट क्या है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि रेंट पे किया वो पीरियड कॉस्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट वन। अब आप मुझे बताएंगे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल अप टू सर्टन लेवल फिक्स कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल अप टू सर्टन लेवल दिस कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड, अप टू सम लेवल दिस कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड। ऐसा क्यों पूछो, क्यों बोलो, आंसर दो क्यों ऐसा बॉस, आंसर दो, ऐसे क्यों लिखा कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होना चाहिए, अप टू सर्टन लेवल ऐसे कैसे बता दिया सर आपने। ओहो हो चैम स्टूडेंट, टीटी इंडस्ट्रीज एग्जांपल दे रहे सर, आपने एग्जांपल दिया था रेंट, मुकुल जी क्या बात है। स्टूडेंट अगर 501 हो गए तो क्या करना है, स्टूडेंट 501 हो गया तो मैं उधर ही नहीं ठूसूंगा स्टूडेंट को, ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा क्लासरूम लेना पड़ेगा, और अगर बड़ा क्लासरूम लेता हूं ठीक है, 500 का सपोज मैंने 600 कैपेसिटी का क्लासरूम ले लिया, और अगर 600 कैपेसिटी का क्लासरूम ले लिया तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू पे द मोर रेंट, तो अगर मेरा रेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये फिक्स अप टू सर्टन लेवल है, अप टू सर्टन लेवल है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा कुछ स्टूडेंट एकदम बराबर है, सर अगर एक्सपांशन अगर बिजनेस का करना है तो फिक्स कॉस्ट कैसे फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अगर मशीन का कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने का है, अगर आपको 1,50,000 मैन्युफैक्चर करना है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मशीन का कैपेसिटी लगेगा, खर्चा बढ़ते जाएगा आपका। चलेगा, तो ये था आपका फिक्स कॉस्ट की अप टू सर्टन लेवल ये फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनअफेक्टेड। नेक्स्ट वन, आज का दूसरा पॉइंट जोर से चिल्लाओ, आज का दूसरा पॉइंट जोर से चिल्लाओ, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। चलो 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 चिल्लाओ जोर से, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। बोलो अगर घर पे मम्मी रहेगा तो मम्मी फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। चिल्लाओ 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 जोर से, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। जैसे कि रेंट 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट टोटल तो सेम था, 1,00,000 रुपए पर मंथ का रेंट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। गाइस चलिएगा, एग्जांपल दिया है रेंट, मैनेजर का सैलरी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये जो है वो एग्जांपल है आपके फिक्स्ड कॉस्ट के। चलिए फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, चलेगा। लोकेश जी ने क्या एग्जांपल दिया है, वाह लोकेश जी। बाल्टी में पानी पूरा भर गया तो दूसरी बाल्टी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ओवरफ्लो होएगा, क्या बात है, क्या एग्जांपल दिया है लोकेश जी, थैंक यू, अगले बैच में यूज करूंगा आपका एग्जांपल।
गेस। तो ये था आपका फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। ओके, अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगेन एक्स एक्सिस पे आई एम कंसीडरिंग आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे आई एम गोइंग टू कंसीडर द कॉस्ट। ओके, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिक्स कॉस्ट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 10 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, सपोज 500 स्टूडेंट, एक पैरेलल लाइन है सर। कितना भी स्टूडेंट आने दो, मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई फिक्स कॉस्ट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी हां, चलिएगा चलिएगा। आई होप ये फिक्स कॉस्ट लाइन क्लियर है। अरे ये बताओ ना, ओरिजिन से क्यों नहीं चालू हुआ ये? आंसर दो, ओरिजिन से क्यों नहीं चालू हुआ? बोलो 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 जल्दी। अरे ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ ये? ओरिजिन से, जैसे वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, वैसे फिक्स कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? चलो कंसेप्ट क्लियर करते चलो एक एक, बस खत्म होते आ गया। इसके बाद सिर्फ सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, फिर आपके डाउट्स एंटरटेन करेगा मैं। ओहो, जेनिल इन्होंने आंसर दिया है। अच्छा जेनिल इन्होंने आंसर दिया है, प्रगति जी इन्होंने आंसर दिया है, ओके मुकुल जी, उमंग फटाफट आंसर दो। अच्छा सर, अगर क्लास में कोई नहीं आया, स्टूडेंट आंसर बहुत जबरदस्त दे रहे हैं, सर क्लास में कोई नहीं आया तो भी रेंट तो पे करना पड़ेगा। वेरी गुड, प्रोडक्शन अगर जीरो है तो भी फिक्स कॉस्ट तो आपका इनकर रहेगा ही। बराबर है फ्रेंड्स, लॉकडाउन के अंदर 15 लाख रुपए का रेंट ऐसे ही चला गया सर, क्या करें अभी? क्लास तो हुआ नहीं, साथ में दो क्लासरूम का रेंट ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो ये क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट था। चलेगा, आज का लास्ट कंसेप्ट, अगर आपका परमिशन है तो स्टार्ट करता हूं, अगर आप बोलेंगे तो स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। आज का लास्ट कंसेप्ट है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, छोटा सा इत्तू सा है, अगर आपका परमिशन है तो मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करो। ओके, सेमी वेरिएबल, यस इसका नाम है सेमी वेरिएबल, मतलब सेमी वेरिएबल ओवरहेड। जो कॉस्ट परफेक्टली फिक्स नहीं है, जो कॉस्ट परफेक्टली वेरिएबल भी नहीं है, वो आएगा आपका सेमी वेरिएबल। ये तो बीच का है, ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, ये बीच का सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, राइट फ्रेंड्स? तो इसमें वेरिएबल के भी कुछ बिहेवियर है और इसमें कुछ फिक्स का भी बिहेवियर है। नॉट एग्जैक्टली फिक्स, नॉट एग्जैक्टली वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये एग्जाम्पल से सेमी वेरिएबल कॉस्ट एब्सोल्युटली क्लियर होएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फ्रेंड्स, आप नवंबर 2021 में रैंक में पास हो गए सर, रैंक आ गया आपका, रैंक, ठीक है। 50 रैंक आप में से ही सब लोगों का आ गया, रैंक आ गया सर जी। ओके, तो आपके घर वाले बहुत खुश हो गए, आपके घर वाले बहुत खुश हो गए, चल बेटा जी ले अपनी जिंदगी, चल अपन वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। ओके, तो आप पूरा फैमिली वर्ल्ड टूर पे चला गया 1 महीने के लिए, ठीक है। तो उनको पता है आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा 3 साल, तो चलो इसको थोड़ा सा दुनिया घुमा लेते हैं। तो आपको लेके गए वर्ल्ड टूर पे 1 महीने के लिए, राइट फ्रेंड्स? तो लेकिन प्रॉब्लम यह था, आपके घर पे एक टेलीफोन है, ठीक है, बीएसएनएल का, आपके घर पे बीएसएनएल का टेलीफोन है। वो टेलीफोन ऐसा है सर कि बिलिंग दो कैटेगरी में आता है, एक कैटेगरी है एक फिक्स्ड रेंटल है 500 रुपीज पर मंथ, और दूसरा एक वेरिएबल है,
आपके अगर 100 कॉल्स होते हैं तो 2 रुपीज पर कॉल, से फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 500 कॉल्स होते हैं तो 3 रुपीज पर कॉल एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप तो आ गए रैंक में, चले गए वर्ल्ड टूर पे। ठीक है, सबसे पहले मेरा फेवरेट प्लेस पे आप चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, मस्त घूमे वगैरह। 1 महीने के बाद घर पे आए, ठीक है, उत्तरी घर पे आ गए, उत्तरी, अरे बिल आ गया, अरे लाइट बिल आया, सॉरी टेलीफोन बिल आया है। तो आप बोलेंगे अरे हम लोग तो नहीं थे, घर पे नहीं थे, फिर भी टेलीफोन बिल कैसे आ गया? तो आप मुझे बताएंगे टेलीफोन का बिल कितना आया, आप जल्दी बताइएगा सर। बॉस टेलीफोन का बिल कितना आएगा? आप 1 महीना नहीं थे, वर्ल्ड टूर पे थे, ओके, घर पे वो जो लैंडलाइन है उसका बिल कितना आएगा? मैंने थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, 500 रुपये आएगा, राइट फ्रेंड्स, बराबर है, 500 रुपये आएगा। लेकिन अगले महीने में भर भर के आपके पेरेंट्स ने फोन किया, ए मेरा बेटा रैंक में आया, ए मेरा बेटा रैंक में आया, मेरी बेटी रैंक में आई, पता है कितने मार्क्स है, पता है कितना मेहनत किया है, इतना होशियार है मेरा लड़का और लड़की। ठीक है, भर भर के जितने भी रिलेटिव थे सबको कॉल करके बोला, ए रैंक में आया है, रैंक में आया है, रैंक में आया है, रैंक में आया, ओके। तो 5,000 कॉल लगा दिए फ्रेंड्स, 5,000 कॉल लगा दिए, 5,000 कॉल लगा दिए। क्या अभी भी बिल 500 आएगा? अरे नहीं सर, अब आपका बिल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। द कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल इज कॉल्ड एज, इट कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का बिहेवियर है। ओके, सो ये था आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो पढ़ लेते हैं, बस लास्ट पार्ट था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वन पार्ट रिमेन फिक्स अप टू गिवन रेंज एंड अदर पार्ट वेरीज विद द चेंज इन वॉल्यूम बट नॉट इन अ सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि पहले 100 कॉल के लिए अलग रेट, 500 कॉल के लिए अलग रेट, 5,000 कॉल के लिए अलग रेट हो सकता है। ठीक है, बिहेवियर किसका, इसमें फिक्स का भी बिहेवियर है और वेरिएबल का भी बिहेवियर है। नेक्स्ट वन, नॉट परफेक्टली फिक्स, नॉट परफेक्टली वेरिएबल, एग्जाम्पल दिया है, टेलीफोन एग्जाम्पल दिया। देखो मैंने, हायर पार्ट इज फिक्स्ड एंड फी फॉर द कॉल इज वेरिएबल, हायर पार्ट इज फिक्स्ड एंड फी फॉर द कॉल इज वेरिएबल। ये था आपका एग्जाम्पल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का। चलिएगा, इसका जो चार्ट है फ्रेंड्स वो मैं ये लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको वो नहीं समझेगा। एक और उसका प्रेजेंटेशन ऐसे स्टेप के जैसे चलता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चार्ट में वापस से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आपका कंफ्यूजन होएगा, कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है, ठीक है, कुछ लेवल तक फिक्स है फिर वापस से बढ़ता है, वेरिएबल तो कुछ प्रोपोर्शन से बढ़ते जाता है। तो ये अभी फिलहाल पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि मुझे उसमें आपको स्टेप लैडर का भी एक्सप्लेनेशन देना है जो मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है, ये बाद में करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 3 कॉस्ट कंसिडर किया है। सबसे पहले, चलो हो गया फ्रेंड्स, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब आपका टेस्ट है। इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और बहुत इंटरेस्टिंग है, कैलसी लेके आइएगा, कैलकुलेटर लेके आइएगा, कैलकुलेटर लेके आइएगा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा सर, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बोला, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। सेकंड, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, नो रिलेशनशिप, ठीक है, अप टू सर्टन लेवल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, ओके, एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ प्रोपोर्शन वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ प्रोपोर्शन फिक्स है, नॉट एग्जैक्टली फिक्स, नॉट एग्जैक्टली वेरिएबल। ओके, नाउ फ्रेंड्स आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, क्या आप रेडी हो? बस हो गया फ्रेंड्स, सिखाने का पार्ट हो गया, अब एप्लीकेशन का पार्ट आ गया। आर यू रेडी? ओके,
चलेगा। 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, ओके, ये दो आउटपुट है बॉस, 1000 यूनिट्स एंड 2000 यूनिट्स। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसका आंसर देंगे, इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट, इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट और इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सीरियसली कीजिए अभी, इस पे आपको आगे के काफी सारे टॉपिक में इस पे क्वेश्चन आता है, ओवरहेड टॉपिक में आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन आता है एंड आपका बजट्स एंड बजेटरी कंट्रोल में आता है, तो बेसिक एकदम स्ट्रांग रखिएगा बॉस। ओके, रेडी है, रेडी टू फाइट। ओके, सबसे पहला कॉस्ट, 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने लिए कॉस्ट कुछ भी रहने दो, मटेरियल, लेबर, एक्स वाई जेड, रेंट, कुछ भी रहने दो, आपको वो डिसाइड करना है। 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 50,000 रुपीज का कॉस्ट लगा और वही 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 1,00,000 रुपए का कॉस्ट लगा। जल्दी से, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी वेदर दिस कॉस्ट नंबर वन, कुछ भी रहने दो इसके अंदर, मटेरियल, लेबर, वॉट एवर, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, रिया, प्रिया, दर्शन, वॉट एवर, आपके एक्स का नाम, आपके प्रेजेंट का नाम, आपके कुछ भी, ठीक है, कोई भी नाम रहने दो यहां पे कॉस्ट का। तो आप मुझे ये बताइएगा, सिर्फ ये नहीं बताना है इज इट अ वेरिएबल, इज इट अ फिक्स और इज इट अ सेमी वेरिएबल, क्यू पूछो, क्यू 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 क्यू, सिर्फ वेरिएबल नहीं। फ्रेंड्स, टुडेज अकाउंट्स लेक्चर इज कैंसल ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन और इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर। ओके, आज का अकाउंट्स का लेक्चर आपका कैंसल है फ्रेंड्स। ओके, ओ भाई, ओह, मारो मुझे, मारो, आंसर दो जल्दी। मुझे एक स्टूडेंट का आंसर बहुत अच्छा लगा, वो है सौरव जी गुप्ता, उसके बाद आरजी करके है, उनका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रिंकल जी, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। ओहो, गरिमा जी, इनका आंसर मुझे अच्छा लगा, कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। ओके, तो सबसे पहले, परफेक्ट परफेक्ट फ्रेंड, चैंप हो गए आप लोग, दो लेक्चर में चैंप हो गए, ध्यान से सुनिएगा। 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 50,000 का कॉस्ट लगा, 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 50,000 नहीं लगा, 50,000 नहीं लगा। अगर इधर भी 50,000, इधर भी 50,000, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। अगर यहां पे भी 50,000, यहां पे भी 50,000, तो ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन नहीं, यहां पे 50,000 है और यहां पे 1,00,000 है। ओके, एक जगह पे 50,000 है और एक जगह पे 1,00,000 है। इसके बाद आपको यह चेक करना है, ये फिक्स नहीं है, एक तो वेरिएबल हो सकता है या सेमी वेरिएबल हो सकता है। चिल्ला चिल्ला के बोला था हमने, चिल्ला चिल्ला के बोला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, तो यू विल हैव टू चेक नाउ, ये तो फिक्स तो नहीं है, क्या ये वेरिएबल है, और वेरिएबल तब हो सकता है जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। ओके, मैं इमीडिएटली डिवाइड कर रहा हूं, 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 50 रुपीज आया, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो 50 रुपीज आया। तो बॉस, समझा कितना इंपॉर्टेंट था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, पर यूनिट शुड बी सेम, टोटल शुड बी सेम। तो ये जो कॉस्ट नंबर वन है, ये 50 रुपीज 1000 के लिए भी है और 2000 के लिए भी 50 रुपीज है, तो पर यूनिट सेम आया है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। आई होप चैंप लोग दिमाग में फिट हो गया आपके। ये सेकेंड, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता आपको, ये फर्स्ट में भी एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो आप मुझे बताएंगे 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, चल मी चल मी चल मी, ठीक है ना, 10,000 यूनिट्स के लिए
मुझे ये कॉस्ट कितना लगेगा, चल मी कॉस्ट शीट बना लेंगे आप इसके बेसिस पे आगे, चलिए जल्दी। टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 50, आई गेस 5 लाख रुपीज है, कुछ लोगों ने 50,000 लिखा है, आंसर 5 लाख। ओके तो बस करना क्या था आपको, मल्टीप्लाई करना था पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना था। सो मालिक आपने वर्किंग किया, 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया, मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, आपका आंसर आ गया 5 लाख। चलिएगा चैंप हो गए तुम लोग, आपने मुझे सबसे पहले तो यह आंसर दिया कि सर ये वेरिएबल कॉस्ट है, और दूसरा आंसर आपने मुझे बताया कि सर पर यूनिट सेम है इसकी वजह से ये वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर मैं 10,000 का कॉस्ट शीट बनाना चाहता हूं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 लाख रुपए का मुझे कॉस्ट लगेगा। अगला कॉस्ट ये रहा आपके सामने, 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 लाख रुपीज का कॉस्ट लगा, 2,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 लाख रुपीज का कॉस्ट लगा। जल्दी से, इज इट अ फिक्स, इज इट वेरिएबल, इज इट सेमी वेरिएबल विथ रीजन, विथ रीजन, रीजन विथ रीजन। अरे जल्दी बॉस, अरे आपको मजा नहीं आ रहा है क्या, इतना जबरदस्त एग्जाम्पल ले रहे हो, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया, कल और हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है आंसर दो फटाफट, पहले कितना फटाफट आंसर दे रहे थे। फिक्स कॉस्ट, ओके पर यूनिट इज डिफरेंट एंड इट डज नॉट वेरी विद द आउटपुट, ओके अच्छा आंसर दिया, ये आंसर था प्रिंकल इनका, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम, वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, ओ हो टोटल कॉस्ट इज सेम फॉर सो फिक्स्ड, वेरी गुड, फिक्स टोटल कॉस्ट इज सेम, ओके फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेम, ठीक है दोनों लेवल के लिए सेम था। ओके फिक्स्ड है, ओके परफेक्ट सर, आगे बढ़ रहा हूं, तीसरा एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा ये भी अच्छा आंसर है ना, दोनों आउटपुट के लिए, मुकुल जी इनका आंसर था कि दोनों आउटपुट के लिए 1,000 के लिए भी 2 लाख का कॉस्ट है और 2,000 के लिए भी 2 लाख का कॉस्ट है, तो ये आएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। ओके नाउ हाउ मच कॉस्ट आई एम गोइंग टू इनकर फॉर द 10,000 यूनिट्स, हाउ मच कॉस्ट आई एम गोइंग टू इनकर फॉर द 10,000 यूनिट, चलिए जल्दी बताइएगा हाउ मच कॉस्ट आई एम गोइंग टू इनकर फॉर द 10,000 यूनिट्स, ऑब्वियसली 2 लाख, बराबर है यस, 2 लाख रुपए का कॉस्ट ले गया। चलिए आपके सामने अभी आ रहा है तीसरा कॉस्ट। कॉस्ट नंबर 3 बताइएगा, 1,000 यूनिट्स के लिए 15,000 लग रहा है और 2,000 यूनिट्स के लिए 30,000 लग रहा है। चलो हम लोग आगे के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जल्दी आगे के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या ये वेरिएबल है, क्या ये सेमी वेरिएबल है, क्या ये फिक्स कॉस्ट है, जल्दी से। अरे आगे का क्वेश्चन पूछ गया, कुछ लोग 2 लाख पे ही, अभी भी 15,000 और 30,000 का आंसर दीजिएगा, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल, कोनो फिरकी ले रहा है, मैंने जानबूझ के ऐसे किया है कि पहले वेरिएबल पूछा फिर फिक्स पूछा, फिर स्टूडेंट सोचेंगे सर वेरिएबल पूछ लिया, सर ने फिक्स पूछ लिया, अब तो सेमी वेरिएबल ही रहेगा, अटक गए ना, अरे अटक गए ना। कुछ लोग बोले सर पर यूनिट सेम नहीं है, अरे ऐसे कैसे पर यूनिट सेम नहीं है, 15,000 डिवाइडेड बाय 1,000 15 रुपीज, 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000, अरे ये भी तो 15 रुपीज है, तो पर यूनिट सेम आया ना बॉस, तो कॉस्ट पर यूनिट सेम आता है तो ये वेरिएबल है। ओके और इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स, सो 10,000 के लिए कितना आएगा, 1,50,000 आई गेस,
पर यूनिट सेम है राइट, 15 रुपीज पर यूनिट, चलेगा। अब लास्ट सेमी वेरिएबल का दे देता हूं, अब बोल के देता हूं, लास्ट वन इज अ सेमी वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स। 20,000 रुपीज का कॉस्ट लगा एंड 30,000 रुपीज का कॉस्ट लगा। इसका आगे का क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, आंसर नहीं चाहिए कि 10,000 के लिए कितना, वो हम लोग कल सीखने वाले हैं, हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जल्दी से बताइएगा, इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड द रीजन। कोनो फिरकी ले रहा था 15 रुपीज, कुछ लोगों ने सेमी वेरिएबल बता दिया। जी हां, जल्दी से बताइएगा, 20,000 30,000 इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वाई। और मुझे 10,000 यूनिट्स के लिए आंसर नहीं चाहिए, वो आपको नहीं आएगा आज। ऑगेस, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहले तो मैंने ये चेक किया कि 20,000 एंड 30,000 टोटल सेम नहीं है, टोटल सेम नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। क्योंकि अगर 20,000 20,000 रहता था तो फिक्स कॉस्ट है, और 30,000 30,000 रहता था तो वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन एक जगह पे 20,000 एक जगह पे 30,000 है, चेंज हुआ, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट? 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000 अगर मैं करता हूं तो पर यूनिट कम्स टू, एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000 पर यूनिट कम्स टू 15 रुपीज। ना ये टोटल सेम है, ना ये पर यूनिट सेम है, तो ये तो बीच का कॉस्ट है, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है आपका? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड फ्रेंड्स, आपने एकदम परफेक्ट आइडेंटिफाई किया, कल का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं, मिनिमम 5 मार्क्स और आप लेके जाएंगे, क्योंकि कल थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा मैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे का हेडिंग चेक कर लो, क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो सर, अगर 10,000 के लिए हमें कैलकुलेट करना है कितना कॉस्ट आएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करना? वी हैव 5 मेथड्स फॉर दैट, एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में ये हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो आज हमने बहुत अच्छे से क्लैरिटी लिया है, स्टेप नंबर 1 2 3 याद आ रहा है? 1 2 3, क्या ये मटेरियल है, क्या ये लेबर है, क्या ये एक्सपेंसेस है, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छे से आज ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट से हम लोग कल ये करेंगे, वर्कआउट करेंगे। एंड कल कैलकुलेटर वगैरह साथ में रखना, क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करना है। कल थोड़ा राइटिंग का पार्ट भी रहेगा, क्योंकि 5 या 4 या 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं कल, राइट फ्रेंड्स? तो वो आपका रहेगा। फ्रेंड्स, अगर लेक्चर पसंद आए लाइक करते रहिएगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पे लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। अब आपके डाउट एंटरटेन करेंगे हम लोग, चलिएगा। बोलो सर जी, डाउट? अगर डाउट नहीं है तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन टुमारोज लेक्चर। कैलकुलेटर, दिमाग, पेन पेंसिल और पेज साथ में रखना कल, डाउट पूछिए ना, क्वेरी सेशन स्टार्ट हो गया। अगर क्वेरी नहीं है तो बिंदास ऐश कीजिएगा, आज आपका अकाउंट्स का लेक्चर नहीं है। थैंक यू, डाउट पूछिएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। सब क्लियर है? ओके, जिनको डाउट है पूछिएगा। डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर आपको वो इन्फॉर्म, अगर लेक्चर रहेगा तो वो स्ट्रीमिंग आ जाएगा। अच्छा, एक अच्छा डाउट पूछा है जतिन जी इन्होंने, वन बाय वन में डाउट ले रहा हूं, 2 मिनट आप डाउट मत पूछिएगा, पहले एक दो डाउट में क्लियर कर देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी गुड डाउट। आपका जो प्राइम कॉस्ट है वही आपका वेरिएबल कॉस्ट है,
प्राइम कॉस्ट है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर और भी तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट आएगा, अरे हाँ आएगा सर। आप बॉस आप कमीशन पे करते हो, सेल पे कमीशन पे करते हो 10% का, तो ये भी तो वेरिएबल है। जितना ज्यादा सेल करेगा वो सेल्समैन, उसको 10% का कमीशन मिलेगा, लेकिन सेल्स कमीशन ये तो प्राइम कॉस्ट नहीं है। तो प्राइम कॉस्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके जतिन जी, इनका डाउट हो गया है? सर जो नाइकी वगैरह कंपनीज है वो तो सब कुछ आउटसोर्सिंग करते हैं, तो उनका डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा आउटसोर्सिंग को तो बॉस निकिता जी आउटसोर्सिंग किया, ठीक है, तो वो तो अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया ना, आउटसोर्सिंग का एक्सपेंसेस। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सपोज नाइकी कंपनी है, वो नाइकी कंपनी शूज किसी और से पूरा मैन्युफैक्चर करवा के लेता है, ठीक है, किसी और से पूरा मैन्युफैक्चर करवा के लेता है, मटेरियल वगैरह सब कुछ सामने वाला लेके आ रहा है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, सपोज यू आर सेलिंग दैट शूज फॉर 2,000 रुपीज और आप वो सब कॉन्ट्रेक्टर को 1,000 रुपीज पे कर रहे हो, तो 1,000 इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसिस फॉर यू। लेकिन इसमें ऐसा भी केस हो सकता है कि जिसमें शूज का मटेरियल आपने प्रोवाइड किया और 800 रुपए में सामने वाले से आपने वो बाकी का उसका वर्किंग करवा के लिया, शूज आपने रेडी करवा के लिया, तो जो 200 रुपए है वो आपके लिए मटेरियल कॉस्ट आएगा और 800 रुपए जो है वो आपके लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग के चार्जेस आएंगे। आई होप आपका डाउट क्लियर है। नो डाउट, नो डाउट। रिमेनिंग लेक्चर कब तक अवेलेबल होंगे? सर डेली लेक्चर है, एज आई टोल्ड यू डेली लेक्चर अपलोड होते जाएगा वेबसाइट पे। ऑल क्लियर? ओके अच्छा, ओके आकांक्षा जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो कॉस्ट इज अ मॉनेटरी सेक्रीफाइस इज डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, जब आपने मशीन, सपोज मशीन का डेप्रिसिएशन लेते हैं, मशीन जब आपने परचेज किया था तो पैसा दिया था या नहीं दिया था? मशीन जब आपने परचेज किया था तब तो आपने पैसा दिया था, राइट? तो आपने ऑलरेडी उसका पेमेंट कर दिया, तो आप उसको नॉन मॉनेटरी नहीं बोल सकते, तो वो आप प्रोपोर्शनेट हर साल एट्रीब्यूट करते हो ना। सपोज 50,000 का मशीन लिया और आपका 5 साल चलने वाला है, तो 10-10 हजार का डिप्रिसिएशन हर साल को आपको लेना पड़ेगा, तो वो पैसा तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया था। ओके नेक्स्ट वन, आई होप आपका डाउट क्लियर है। ओके सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे? सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, एज आई टोल्ड यू कि रिजल्ट तक 15-20% आपको यूट्यूब लाइव है, और उसके बाद मेरा लाइव बैच रहेगा, वो लाइव बैच में फेस टू फेस बैच हो रहा है मेरा नासिक में, ठीक है, क्योंकि बाकी जब जगह पे परमिशन नहीं मिल रहा है, तो नासिक सिटी में वो परमिशन मिला है, तो वहां पे मैं फेस टू फेस बैच ले रहा हूँ, और उसका ही रिकॉर्डिंग जैसे ही वहां पे लेक्चर होगा, एक एक लेक्चर आपका अपलोड होएगा और आप इनक्रिप्टेड लेक्चर वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, फास्टैग लेक्चर प्रीवियस बैच का ऑलरेडी अवेलेबल है और जनवरी मंथ से नया फास्टैग आपको मिलेगा। चलिए ओके तोड़ मालिक, सर आप जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अच्छा वेरी गुड। कनिका जी, सर आप जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो उसके जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो कौन सी कॉस्ट है मेरे लिए? वेरी गुड कनिका, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस इनकर किया है। सबसे पहले तो मुझे अभी इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ना मटेरियल है ना ना लेबर है, वो एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट सेकेंड मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे सपोज मैंने 100 Mbps स्पीड का वो जो 10,000 रुपीज पर मंथ मैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पे कर रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, तो ये मेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और मेरा लैपटॉप डिप्रिसिएट हो रहा है, मेरा कैमरा डिप्रिसिएट हो रहा है, मेरा जो सारे जो सिस्टम है यहाँ पे ये डिप्रिसिएट हो रहा है, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ डेस्क एक्सेट्रा वो फर्नीचर है वो डिप्रिसिएट हो रहा है,
नेक्स्ट ऑफिस का काम आउटसोर्स किया तो, हाँ ऑब्वियसली इनडायरेक्ट होएगा, बराबर है सर भावे जी, बराबर आपने क्वेश्चन पूछा और आंसर भी आपने बराबर दिया है। ऑफिस का काम अगर आउटसोर्स किया होता है ना, आपने एंट्री, सपोज एंट्री, बहुत सारे एंट्रीज आपको पास करना पड़ता है, तो बेटर आपने एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज आउटसोर्स कर दिया। यस इट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन तो आप आउटसोर्स नहीं कर रहे हो ना, अकाउंटिंग आपने आउटसोर्स किया है। बुक्स जनवरी मंथ से स्टार्ट होएगा मिलना, कॉस्टिंग का बाकी सारे फैकल्टी उनका इन्फॉर्म करेंगे। ओके टीटी इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो नॉन, यानी कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं होता है। आप फोर्थ लेक्चर तक बने रहिएगा, फोर्थ लेक्चर में पता चल जाएगा। कल भी मैंने ये बताया था कि इंटरेस्ट का कॉस्ट कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड पेड, ठीक है, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं होते, फाइनेंस में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट वन, नासिक में कहाँ पे बैच अनाउंस होएगा? नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप फेस टू फेस वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज उसका इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7887 7887 06, यहां पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा। नेक्स्ट वन, अच्छा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डायरेक्ट लेबर में है क्या? हाँ आकांक्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डायरेक्ट लेबर में है क्या? ओके तो आकांक्षा जी आपको ये बता देता हूं, एक वर्कर है, बेंच मैन्युफैक्चर करने का आपका फैक्ट्री है, एंड वो वर्कर को आप 100 रुपीज पर बेंच वेजेस पे करो, टाइम के बेसिस पे नहीं पे कर रहे हो, जितना यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है अकॉर्डिंगली आप उसको वेजेस पे कर रहे हो। तो अगर उसने एक बेंच मैन्युफैक्चर किया तो 100 रुपए वेजेस पे करेंगे, अगर उसने 10 बेंच मैन्युफैक्चर किया तो आपका 1000 रुपए जाएगा, अगर उसने 100 बेंच मैन्युफैक्चर किया तो 10,000 जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आउटपुट बढ़ता है तो वेजेस कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा वर्कर लोगों को। आई होप आपका क्वेरी क्लियर है। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट यूट्यूब पे अपलोड होएगा? यस रिजल्ट तक एज आई टोल्ड यू 15 to 20% जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अपलोड होएगा, 15% अराउंड। हाँ इंटरनेट का जो खर्चा है निकिता जी, इंटरनेट का जो खर्चा है वो तो मैंने पूरा मंथली पे किया है, 10,000 रुपीज पर मंथ वो मेरा चार्जेस है, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, राइट? और अच्छा आपने डिलीट किया शायद, आपको क्लियर है। हाँ फेस टू फेस बैच, मेरा खुद का एकेडमी है नासिक में, आपका नॉलेज अप्रिसिएट हो रहा है सर। बॉस 11 साल से मैं यही पढ़ा रहा हूं और एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि दो तीन सब्जेक्ट लेके पढ़ा रहा हूं, बस कॉस्टिंग ही पढ़ा रहा हूं। थैंक यू सुयश जी, थैंक यू। मुकुल जी बोल रहे हैं कि सर लाइव स्ट्रीमिंग में आप डायरेक्ट लेबर में इंक्लूड होंगे ना? यस वी स्मार्ट एकेडमी के लिए मैं लेबर हूं। ओके तोड़ा मुकुल जी, देन भावेश जी, ओके प्रगति, ओके सर थैंक यू। सर बल्क डिस्काउंट हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे ही सेम रहेगा? अंशिका जी, सॉरी अंशिका जी, वेरिएबल कॉस्ट का ये एजम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। आपका ये डाउट एकदम बराबर है कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हो तो क्वांटिटी का आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये कॉस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ये जो वेरिएबिलिटी के पर्पस के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम ही रहेगा, ये एजम्पशंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में हम लोग लिमिटेशन भी देखने वाले हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग लिमिटेशन भी देखने वाले हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस। तो पहला लिमिटेशन है कि आप एज्यूम करते हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, जैसे आपने बोला कि अगर बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किया तो मटेरियल में डिस्काउंट मिलेगा, वो चेंज होएगा, तो ये हो गया लिमिटेशन। दूसरा फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, जैसे आपने आंसर दिया कि 501 स्टूडेंट आता है तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकता है। तो जो एजम्पशन है उसको लिमिटेशन भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आई एम इंप्रेस्ड। नेक्स्ट वन,
स्किल्ड वर्कर, ओके, टीटी इंडस्ट्रीज स्टील वर्कर जो है वो स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर इज अ डायरेक्ट लेबर, अगर वो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर जान का एग्जाम टफ आएगा क्या? मुझे नहीं लगता, अगर प्रिपरेशन आपका परफेक्ट रहेगा तो एग्जाम कैसे भी आने दो, अपने प्रिपरेशन पे है फ्रेंड्स। और कितना भी टफ पेपर आने दो, 50 से 60 मार्क्स का बहुत इजी रहता है, बस आपने वो अच्छे से पिक किया तो हो गया। लेकिन अभी जो नवंबर का पेपर था वो चैलेंजिंग पेपर था, तो मुझे नहीं लगता जनवरी का पेपर उतना चैलेंजिंग आएगा। जिसने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया है, बेसिक उसका स्ट्रांग रहेगा, उसको ये नवंबर अटेम्प्ट का पेपर अच्छा गया रहेगा। अदरवाइज जिसने ऊपर के ऊपर पढ़ाई किया है तो उसको डिफिकल्ट गया रहेगा। ओके, कंपैरेटिवली पेपर कैसे रहेगा? एवरेज पेपर रहेगा, आप आराम से, सर हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से कीजिएगा, हो जाएगा। नवंबर 20 का जो पेपर था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर था, जो मैं बोलता हूं कि ये टफेस्ट क्वेश्चन है, तो वैसे उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जो हमने क्लास में किए थे। मैं कुछ बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये कभी तो भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करके रखते हैं कि एग्जाम में आ सके, तो ऐसे जो कभी तो भी आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए, तो वो कंपेरेटिवली चैलेंजिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक मे 18, नवंबर 18, मे 19, नवंबर 19 और नवंबर 20 में सबसे चैलेंजिंग पेपर नवंबर 20 का था। रिजल्ट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, रिजल्ट कब तक आएगा? वोल पोर्शन लाइव नहीं रहेगा, रिजल्ट तक आपका लाइव रहेगा, फिर मेरे फेस टू फेस बैच के रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। चलिए, और कुछ डाउट है? अभी भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर डाउट है तो पूछते रहिएगा, बिल्कुल बिंदास आप डाउट पूछिएगा। फेस टू फेस बैच का फीस क्या रहेगा? आप व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल आपको बता दूंगा। लॉकडाउन अभी नहीं होएगा, अभी तक कॉपी खाली है, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलेगा, शायद अभी डाउट आना बंद हो गया है, तो जल्दी से अगर डाउट है तो पूछिएगा, अदरवाइज विल कंक्लूड टुडे सेशन एंड सी यू टुमारो एट 10 o'clock। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पढ़ते रहिएगा। बुक्स के बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बुक्स के ही क्वेश्चन आएंगे, फिगर्स चेंज होता है। फेस टू फेस बैच कब से शुरू होएगा? आप कहाँ से बात कर रहे हो? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। कल मिलते हैं। यस मुकुल जी, विनय जी, फेस टू फेस बैच कब से शुरू होगा? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं बताता हूँ आपको स्केड्यूल। एनी अदर डाउट? तोड़ मालिक, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। चलेगा, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, डाउट आना बंद हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो एट 10 o'clock।